नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, महाराष्ट्राच्या नवतेचे बांधले चिरे, शिवारात पसरले सह्याद्रीचे वारे, तुमच्या स्वप्नांची नित्य चालतो ही वाट, मार्ग दाखवितो संत कृष्णाईचा काठ। आज माननीय श्री यशवंतराव चव्हाण यांची जयंती। संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या कृषी व औद्योगिक विकासाचा पाया घालत सहकाराचे जाळे विणणारे दृष्टे नेते श्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करते आणि आजच्या सत्राला सुरुवात करते। वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीच्या सुवर्ण जयंती महोत्सवाचे औचित्य साधून सेंद्रिय शेती आणि प्रशिक्षण केंद्र वनावक्रवी परभणी तर्फे शेतकरी बंधू भगिनी कृषी विज्ञान केंद्राचे विषय विशेषज्ञ कृषी शास्त्रज्ञ विद्यार्थी कृषी विभागाचे अधिकारी कर्मचारी स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य यांच्याकरता राज्यस्तरीय 30 दिवसीय सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आपण दृक व श्राव्य माध्यमातून आयोजित केलेला आहे। या प्रशिक्षण कार्यक्रमात उपस्थित सर्व मान्यवरांचे व प्रशिक्षणार्थी सर्व शेतकरी बंधू भगिनींचे मी आज डॉक्टर मीनाक्षी पाटील सदस्य शास्त्रज्ञ सेंद्रिय शेती संशोधन केंद्र वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत करते। वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरु डॉक्टर अशोक ढवण सर आणि संचालक संशोधन डॉक्टर दत्तप्रसाद वासकर सर यांच्या मौल्यवान अखिल भारतीय समन्वयित ज्वार संशोधन केंद्र वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी हे आपल्याला आज इथे लाभले आहेत। मी सरांचे इथे स्वागत करते। त्याचबरोबर आजच्या सत्राचे आपले प्रमुख अतिथी आपले प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर वाचस्पती पांडे सर शास्त्रज्ञ JSO विभागीय जैविक शेती केंद्र नागपूर हे देखील इथे उपस्थित आहेत। मी सरांचं स्वागत करते। सर जी आपका आज के इस सत्र में हम स्वागत करते हैं। त्याचबरोबर आपल्या या सत्राचे दुसरे जे प्रमुख मार्गदर्शक आहेत डॉक्टर योगेश इंगळेजी सहायक प्राध्यापक वनस्पती रोगशास्त्र अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प लिंबू वर्गीय फळे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला हे इथे आहेत, त्यांचे देखील मी स्वागत करते। प्रगतशील शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून आज आपल्याला श्रीयुत पांडुरंग निवृत्तीराव डोंगरे राहणार कर्जत तालुका अंबड जिल्हा जालना हे या प्रसंगी इथे उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर आजच्या सत्राचे संकलक डॉक्टर संतोष पवारजी सहाय्यक प्राध्यापक वनस्पती रोगशास्त्र विभाग कृषी महाविद्यालय गोळेगाव हे उपस्थित आहेत। सर्व मान्यवरांचे मी पुनश्च एकदा शब्द सुमराने स्वागत करते व आपल्या सत्राची सुरुवात करते। आज के इस सत्र के प्रमुख अतिथी प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर वाचस्पती पांडे सर शास्त्रज्ञ ISO जैविक खेती केंद्र नागपुर ये है। सर का इस क्षेत्र में 22 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। सर जैविक खेती संबंधित कार्यों में लगभग 30,000 से भी ज्यादा सर ने ये खेती जैविक एग्रो टूरिज्म से सर ने जोड़ दी है। 20 साल से भी ज्यादा अनुभव सरकार जैविक निविष्ठाओं के मदर कल्चर बनाने में सर का अनुभव है। सर ने बहुत सारे रिसर्च पेपर सर के बहुत सारे बुक्स इस जैविक खेती के आधारित यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। मैं अधिक का समय न लेते हुए आज के प्रमुख अतिथि मार्गदर्शक डॉक्टर वाचस्पति पांडे सर को निवेदित करती हूँ कि आपका जैविक खेती में जो भी अनुभव है आज हमारे किसान भाइयों के साथ आप प्लीज शेयर करें। डॉक्टर पांडे सर। सभी उपस्थित आज के अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी पाटिल और मेरे सहयोगी विभिन्न शास्त्रज्ञ और शेतकारी बंधु भगनियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। और मुझे बड़ा मैं आभारी हूँ डॉक्टर गोरे का, डॉक्टर अपने जो ऑर्गेनाइजर्स का, कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं आपके सामने अपनी बात रखूं।
हालांकि मेरे को लगता है इसमें काफी टॉपिक आपके पहले भी कवर हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल ना होके मैं आपको कुछ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। तो यहाँ पर अभी मेरे को थोड़ा सा ये है, मैं आप पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं मराठी बोलने में असमर्थ हूँ, तो मैं अपनी बात हिंदी इंग्लिश में करूंगा ज्यादातर, हिंदी अंग्रेजी मिक्स। और जहाँ आपको किसी को थोड़ा तकलीफ हो समझने में, तो अगर आप मुझे टोक देंगे उसी समय, तो मेरे ख्याल से मैं उसको आपके हिंदी में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। लेकिन प्रॉब्लम मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू आ गया है अभी थोड़ा, अभी मैंने ज्वाइन किया था तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर नहीं कर पा रहा, तो मैं आपकी तरफ शेयर करता हूँ। आपके यहाँ से कोई शेयर कर देगा मेरा प्रेजेंटेशन? हेलो जी सर, हम देखते हैं। हाँ नहीं, मेरे यहाँ से अभी मैं ज्वाइन में कर चुका, पहले मैं शेयर कर रहा था, मुझे परमिशन नहीं थी शेयर करने की, शायद मैंने ज्वाइन कर लिया था इसमें। सर अभी आप को होस्ट हो तो एक बार ट्राई कीजिए सर। हाँ मैं एक बार ट्राई करता हूँ दोबारा से, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ इसको ज्वाइन करने की, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इसे शेयर कर दूँ। सबसे पहला तो बात यह है कि ये प्रेजेंटेशन तो शेयर होता रहेगा जी सर, तो पहली बात यह है कि आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको ये पीछे मुझे अनुभव हुआ है कि हमारे कुछ शेतकारी बंधु जो हैं अभी बड़ा प्रॉब्लम में हेलो उन मिर्च हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, यू आर ऑडिबल सर, यू आर ऑडिबल सर। अभी आप म्यूट हो गए सर। मैं मेरा प्रेजेंटेशन मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ मीनाक्षी मैडम को, क्योंकि यहाँ से दिक्कत आ रही है मेरे, आज BSNL का नेटवर्क और दिनों ऐसा नहीं था, आज बड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या बात है। खैर जो भी है, पहली बात तो ये है कि हम जब बात करते हैं जैविक खेती की, तो जैविक खेती वो पद्धति है जिसमें एक कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशकों का या किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और फसल का संपूर्ण प्रबंधन फार्म प्रबंधन के आधार पर किया जाता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह अपनी मृदा की, अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के साथ साथ, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। मतलब अगर आपकी मृदा स्वस्थ रहेगी तो आपकी मृदा अपने आप ही जमीन उपजाऊ होगी। तो ये इसका मुख्य ध्येय है। तो सबसे पहले एक बात आप ध्यान से जान लीजिए, जैविक खेती का मतलब जो भी आदान आप अपने खेत में बना रहे हैं दे ऑल आर अलाउड, वो उनमें कोई रोक टोक नहीं है। जो भी आदान आप खेत से बाहर लाके यूज कर रहे हैं, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर हो, बायो पेस्टिसाइड हो, इवन कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी चीज हो जो खेत से बाहर से लाके आप यूज कर रहे हैं, उसमें रोक टोक है। और कृत्रिम रसायन जो सिंथेटिक रसायन केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उनपे प्रतिबंध है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जैविक खेती में उसका थंब रूल है ऑल और फार्म इनपुट्स आर अलाउड, ऑल ऑफ फार्म इनपुट्स आर रेस्ट्रिक्टेड, एंड ऑल द सिंथेटिक एंड केमिकल इनपुट्स आर बैंड।
तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर हुआ मैडम? हाँ, कोई निखिल जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप पूछ ही लीजिए पहले, तब तक टाइम भी यूज हो जाएगा, टाइम कम है हमारे पास। वह ऐसी कोई भी जीवित वस्तु है, या चाहे वो जानवर हो, पौधा हो, या जिसे आप बोलते हैं बुरशी हो, या कोई कीट हो, जिसे मनुष्य अपने लिए या अपनी संपत्ति के लिए या पर्यावरण के लिए परेशानी का सबब समझते हैं, उसको पेस्ट कहा जाता है। मतलब जो आपके यहाँ आपकी मर्जी से आपकी इच्छा के अनुसार रह रहे हैं, आपको उससे कोई तकलीफ नहीं है, तो वो आपका गेस्ट, जहां उस गेस्ट से आपको तकलीफ होने लगी तो वो आपका पेस्ट बन जाता है। तो गेस्ट और पेस्ट में यही अंतर है। तो पेस्ट का मतलब पीड़क। तो जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज जो हैं, वो बहुत ही सब्सटेंशियल लॉस, बहुत सारा लॉस करती हैं हमारे फूड क्रॉप्स को, फाइबर क्रॉप्स को, इवन वेजिटेबल क्रॉप्स को एंड फ्रूट क्रॉप्स को वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा कुछ वेक्टर्स, जो कुछ ऐसे इंसेक्ट पेस्ट वेक्टर्स होते हैं जो मनुष्य को और उसके कैटल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी बीमारी फैला सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स, पेस्ट इज अ लिविंग थिंग, whether animal, plant or fungus, which human consider troublesome for themselves and their positions or the environment. अब बात करते हैं पादप रोग कारक क्या है, पादप प्लांट पैथोजेंस, पादप रोग जनक। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पादप रोग जनक है, ये बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से ही इन्हें देखा जा सकता है, इनका आकार बड़ा मुश्किल होता है, अतः इन्हें पहचानना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, इसके पहचान के लिए भी आपको विशेष उपकरण और प्रशिक्षण, ट्रेन्ड प्लांट पैथोलॉजिस्ट और ट्रेन्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजन, वेदर इट इज फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और एंटोमोलॉजिस्ट चाहिए इफ इट इज अ इंसेक्ट वायरस, इंसेक्ट पेस्ट। और इस तरह से इनका बिना पहचान के, क्योंकि इसका पहचान मुश्किल है, इसलिए सटीक निदान इसका वो भी कठिन है, क्योंकि मैं खास तौर से देखता हूँ कि कई बार मेरे पास शेतकारी बंधु आते हैं और वो कुछ भी होता है वो बुरसी बोल देते हैं, इंसेक्ट भी होगा तो बुरसी नाशक दे देता है उसे दवा वाला, और वो इंसेक्ट में बुरसी नाशक डाल देता है, उसको इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल नहीं होता। ऐसे ही अगर बुरसी है तो उससे इंसेक्टिसाइड दे देता है, तो वो फिर आपका डिजीज कंट्रोल नहीं होती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके सटीक निदान के लिए इनका आइडेंटिफिकेशन, बहुत प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए सिंपल सा है कि अपने जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या अपने केवी के हैं या जो अपने एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आजकल तो प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी एक्सपर्ट हो गया एग्रीकल्चर, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। और खास तौर से मैं करीब 3-4 साल से यहाँ पर देखता हूँ महाराष्ट्र में, इट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। सो मेरा जो क्षेत्रकारी बंधुओं से यही अनुरोध है कि वो कृपया एक्सपर्ट के पास जाकर के अपने सैंपल ले जाएं और उसके बाद उनको दिखाएं, उसके बाद उसका निदान पाएं। तो एक प्रॉब्लम और आ गई है कि जब हम नई नई किस्म लेके आते हैं, जैसे बीटी कॉटन आया, तो धीरे धीरे पहले साल तो ठीक हुआ, दूसरे साल ठीक हुआ, तीसरे साल पिंक बॉलवर्म फिर आ गया उसमें भी, कॉल गार्ड वन में, फिर बीजी टू आया, बीजी टू में भी उसने उसको ब्रेक कर दिया। अब इसी तरह से जो केमिकल लगातार लोग छिड़कते हैं, एक ही केमिकल कई बार छिड़कते हैं, तो उससे भी जो नई पेस्ट की या रोग कारक की नई नई वैरायटी उसकी भी बन जाती है, और वो आपकी जो रेजिस्टेंस है या जो उसको जो भी आप उसको कंट्रोल करते थे उससे वो खत्म हो जाती है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेजिस्टेंट रेसेस ऑफ द पैथोजेंस और पेस्ट इज अ बिग चैलेंज। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एक
लाइव एग्जाम्पल अभी आया है, कहां से, इसका जो बहुत ही बर्निंग एग्जाम्पल अभी आया है हमारे महाराष्ट्र में और तेलंगाना में, नहीं आंध्र प्रदेश में, अभी इस बार बहुत जबरदस्त प्रकोप हुआ है ब्लैक एफिड, इसने लोगों ने इसको थ्रिप्स का, सॉरी ब्लैक थ्रिप्स का, ये ब्लैक थ्रिप्स मैं आपको दिखाऊंगा, केस स्टडी मेरे पास है, नेशनल एंड इंटरनेशनल डिस्पर्सल ऑफ प्लांटिंग मटेरियल जो है वो जो है उससे विभिन्न प्रकार के रोगजनक समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जहां पर वो बीमारी थी नहीं वहां वो बीमारी आ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि नई जगह में जो आपके रोग कारक को अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं डिजीज के लिए, डिजीज फैलाने के लिए, तो वहां पर वो हैवॉक कर सकती हैं, इसीलिए 80% 90% तक यील्ड लॉस होता है, इसीलिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्वारंटीन लगी है। जैसे करनाल बंट ऑफ व्हीट जो हिंदुस्तान से रिपोर्टेड है, अगर यूएस में व्हीट का कोई भी चीज देखेंगे या पैडी बंट के लिए पैडी का कोई भी चीज देखेंगे तो एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, दिस इज फ्री फ्रॉम कनाल बंट और पैडी बंट इन्फेस्टेशन, मतलब सीड लॉट में कोई स्पोर भी नहीं है, उसका भी सर्टिफिकेट लगता है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। और साथ ही साथ अभी आपने देखा द कोविड में जो वायरस है, वायरल पैथोजेंस आर वेरी डिवास्टेटिंग, दे कैन कॉज हैवॉक एंड दे आर कीप ऑन चेंजिंग देयर प्रॉपर्टीज, और हर बार नया नया स्ट्रेन बनता है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो सबसे पहली बात हमें समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज अ प्लांट डिजीज, तो रोग क्या है। रोग वो है कि जब कोई भी पौधे के सिस्टम में डिफॉर्मिटी आ जाती है, जो खराबी आ जाती है, मेलफंक्शनिंग हो जाती है, किसकी वजह से, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन कॉज्ड आइदर बाय बायोटिक फैक्टर और बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब रोग कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब हम बोलते हैं जैसे डिफिशियंसी हो गई या सन स्कैल्ड हो गया, है ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, सिम्टम, पौधा एक लक्षण शो करता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं कि यह पौधा बीमार है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में विल्ट ऑफ आपका दो दाड़िम प्लांट में जो विल्ट है, देखिए आधा आधा पौधा पीला हो गया है और आधे के बाद फिर आपका ऊपर तो पता चल रहा है पीला हो गया, धीरे धीरे ऊपर से नीचे सूख रहा है, लेकिन इसकी जड़ के अंदर अगर आप देखेंगे, साइड में मैंने पिक्चर डाला है, देखिए यहाँ पर पैथोजन बैठा है, यहाँ रोग कारक बैठा है, और ये देखिए उसके जो वास्कुलर बंडल्स के अंदर, यहाँ जो ब्लैक लाइन्स ही आपको दिखाई दे रही है स्टेम को चीरने पर, उसके अंदर जाकर के बैठ करके वहां से वो उसमें उसका फूड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन को रोक रहा है और उसको कमजोर कर रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे करके पौधा विल्टिंग स्टेज में आ जाता है और विल्टिंग के बाद धीरे धीरे पौधा मर जाता है। इसी तरीके से आप देखिए राइजोम रॉट है, फुलियर ब्लाइट है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, ये सारे सिम्टम मैंने इसमें दिखाए हैं, इन्हें इनके सिम्टम बोला जाता है। नेक्स्ट, अब बीमारी कितनी तरह की होती, कितनी तरह की हो सकती है, तो बीमारी जो है पौधे में बायोटिक डिजीज, मतलब किसी जीवित वस्तु से, चाहे वो बुरसी से हो, बैक्टीरिया से हो, निमेटोड से हो या वायरस से हो, और एबायोटिक जिसमें एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस और प्रॉब्लम्स इन कल्चरल ऑपरेशंस इससे होती है, लेकिन इसका एक वो है कि ये फैलती नहीं है, जबकि जो बायोटिक जो जीवित से रोग कारक से जो बीमारी होती है वो फैलती है। तो एबायोटिक में जैसे आता है ज्यादा लाइट हो गई, सन स्कैल्डिंग हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो गया, कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं बिजली कड़कने लगती है, आग लग जाती है, या
जैसे किसी तार को बांध देते हैं ना कोने में, तो उसमें गर्डलिंग हो जाती है, वायर गर्डलिंग हो जाती है, या गमले में आप देखते हैं तो जब उसकी जड़ें ऐसी फैलने लगती हैं तो उसका गुच्छा बन जाता है, उसे कहते हैं पॉन्ड बाउंड रूट्स। और उसके अलावा जहां आपने कभी ध्यान देखा होगा कि जो जहां पर ये ईंट भट्टा वगैरह होता है, जहां धुएं का ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वहां अगर आम में एक ऊपर से ब्लैक कलर का ब्लैक टिप बन जाती है, उसे ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कहते हैं, इस तरीके की बीमारी आ जाती है। जैसे आलू में, आलू के खेत में अगर पानी ज्यादा हो गया और सॉइल हैवी है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उसे हेलो हार्ट ऑफ पोटैटो कहते हैं। केमिकल इंजरी आपको मालूम है, हर्बिसाइड इंजरी। इसके अलावा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड केमिकल टॉक्सिसिटी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं प्लांट डिजीज के। तीसरा जो मेजर है, जो हमारा जो मुख्य वो है, वो जो पौधे की बीमारी है उसमें रोल होता है आपका होस्ट या पौधा, आपकी फसल। दूसरा आपका पैथोजन या रोग कारक जो है। होस्ट आपका ससेप्टेबल होना चाहिए, वो कमजोर होना चाहिए, अनेबल टू सप्रेस द पैथोजन और एडवर्स रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू कॉजल ऑर्गेनिज्म। और पैथोजन अगर विरुलेंट होगा, मतलब कैपेबल ऑफ कॉजिंग द डिजीज, और इन्वायरमेंट उसके फेवर में होगा पैथोजन के, तभी बीमारी होगी। और अगर पौधा होस्ट इम्यून है, मतलब रेजिस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैथोजन हो, विरुलेंट हो, इन्वायरमेंट उसके कंजीनियल हो या ना हो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें इम्यूनिटी आ जाएगी, जैसे अभी कोविड में बोला जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो वही चीज पौधे में भी लागू होती है। और जैविक खेती एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो इस पर फोकस करता है। अब कैसे इम्यूनिटी बढ़ती है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है जो जैविक खेती में, वो है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैथोजन। आपके खेत में अलग अलग टाइप की फसलें हैं तो पैथोजन भी अलग अलग टाइप के हो। और सिंथेटिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो अब दो चीज हो गई, अब स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए, जो मल्टीपल और आगे बढ़ाइए। मल्टीपल टाइप ऑफ पैथोजन हैं, आप एक नहीं, आपके पास 10 तरीके के दुश्मन हैं। लेकिन आपके पास जैसे अभी रशिया में हो रहा है ना कि उसके पास न्यूक्लियर बम तो है, वो यूज नहीं कर सकता, ऐसे ही आपके जो न्यूक्लियर बम है केमिकल और पेस्टिसाइड, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दिस चैलेंज इज अ बिग चैलेंज। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले से ही। और जैविक खेती क्यों कहते हैं कि जैविक खेती एक पद्धति है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम, उस सिस्टम में ये सारी प्लानिंग आती है। अब बीमारी फैलते कैसे है, नेक्स्ट बीमारी मिट्टी से फैल सकती है, सॉइल बोर्न डिजीजेस, हवा से फैल सकती है, एयर बोर्न डिजीजेस, बीज से फैल सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीड या प्लांटिंग मटेरियल से सीड बोर्न डिजीजेस, या वाहक वेक्टर से, जो कीट वेक्टर, वाहक इंसेक्ट वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज, इतने तरीके से डिजीज बीमारी फैल सकती है पौधों में। नेक्स्ट, अब सॉइल बोर्न डिजीज, मृदा जनित रोग क्या होते हैं, जो प्लांटिंग मटेरियल के साथ या किसी तरीके से सॉइल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बीज के साथ या हवा के साथ या इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल के साथ या दूसरे इन्फेक्टेड प्लांट के साथ, या आपका कोई औजार है जो ट्रैक्टर का वो चला और वो आपने इन्फेक्टेड फील्ड में चलाया, फिर दूसरे में भी चला दिया, वहां से वहां चला गया कंटामिनेटेड टूल से, या इरिगेशन वाटर, या क्रॉप रेसिड्यू। अगर इसीलिए कहते हैं क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू जो है बहुत ही
इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो पैथोजन को इन्वायरमेंट देता है, सुटेबल इन्वायरमेंट देता है ओवर विंटरिंग के लिए, सर्वाइव करने के लिए जब होस्ट फसल उपलब्ध ना हो। और जो मृदाजनित रोग हैं वो जड़ को या पौधे के किसी भी पार्ट को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे लूज, जैसे स्मट, बंट, कनाल बंट। कनाल बंट भी मृदाजनित बीज जनित हो तो सभी है। बैक्टीरियल विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट और डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ प्लांट्स, ये सारी बीमारियां मृदाजनित रोगों से होती हैं। ये सॉइल बॉर्न भी हो सकती हैं, सीड एंड सॉइल बॉर्न भी हो सकती हैं, सीड सॉइल एंड एयर बॉर्न भी हो सकती है। नेक्स्ट, जो मुख्य रोग हैं बैक्टीरियल लीफ एंड फूट स्पॉट ऑफ आपका दाड़िम में जो है, आपके यहाँ क्या करते हैं, जरा शुरू में जब बरसात होती है उसमें स्पॉट एक दो दिखाई दिए तो उसने इंसेक्टिसाइड छिड़क दिया उसमें, या ऐसा फंजीसाइड छिड़क देते ज्यादातर, तो क्या होता है, ये बैक्टीरियल बीमारी है, फंजीसाइड से आएगी नहीं कंट्रोल में। सीओ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से थोड़ा बहुत कंट्रोल होती है, लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इज नॉट पेटेंट बैक्टीरियोसाइड। तो क्या होता है कि वो बजाय, फिर उसके बाद गर्म सीजन आता है, बजाय वो चेक होने के वो बीमारी और बढ़ जाती है। एंथ्रेक्नोज है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है, ये बुरसी से होते हैं, इसमें तो बुरसी नाशी काम करेगा, लेकिन अगर बैक्टीरियल लीफ एंड फूड स्पॉट है तो उसमें आपका बुरसी नाशी काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि आप जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आप सैंपल लेके जाएं और एक्सपर्ट से राय लें, और एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ही उसका निदान करने की सोचें। नेक्स्ट, डैम्पिंग ऑफ फूट रॉट, ये बहुत ही कॉमन डिजीज है हमारी नर्सरी प्लांट में, खासतौर से पपाया वगैरह में, जो नीचे से सड़ जाता है। इवन आपका ऑरेंज में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फाइटोप्थोरा फूट रॉट जो है। मैं आपको उसका एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का मैं दिखाऊंगा। और इसके अलावा एंथ्रेक्नोज, ये मृदाजनित रोग और वायुजनित रोग और ये सब होते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा बीज जनित रोग, नेक्स्ट प्लीज। अगर कोई भी पैथोजन कैरिड इन द सीड और विद द सीड, बीज के अंदर या बीज सीड लॉट के साथ चला जाता है और फिर नए एरिया में जहां पर वो पैथोजन रिपोर्टेड ही ना हो वहां फैल जाता है, तो उसे सीड बॉर्न पैथोजन कहते हैं। इसमें देखिए तीन चार एग्जांपल हैं। जो पहला वाला देखिए नारंगी कलर का है, ये फुलेस डिजीज, बिकनी डिजीज ऑफ पैडी होती है, है ना, पौधा लंबा हो जाएगा और उसमें बाली वाली कुछ नहीं लगेगी। दूसरा जो क्लासिकल एग्जांपल है बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये ब्लास्ट का है, सीड पे सिम्टम है, क्लासिकल आई सेप, बिल्कुल बीच में आपका भूरा रंग का और आंख की तरह बना हुआ। और तीसरा जो एग्जांपल मैंने दिखाया है, ये बेसिकली नॉर्मल राई पैडी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैथोजन नहीं है, वीक पैथोजन इसे बोलते हैं, कोक्लियोबोलस मियाबियनस। और ये लेकिन हाइब्रिड पैडी में ये पूरे के पूरे सीड को खत्म कर रहा है, देखिए पूरा इसका पिक्चर है। और ये अगर नई जगह पर पहुंच गए इन बीजों के साथ, अगर आपके सीड लॉट में एक या दो भी ऐसे बीज रह गए, तो ये नई जगह पे अगर इसको कंडीशन अच्छी मिल गई, पैथोजन के अनुकूल मिल गई, तो ये पूरी 100% क्रॉप लॉस तक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एपिडेमिक, अभी पेंडेमिक की बात कर रहे हैं हम, कोविड पेंडेमिक की, ये एपिडेमिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्योंकि मेरे साथ आपके यहाँ पर ये बड़ा कॉमन है, देखिए इसमें पहला जो पिक्चर है लूज स्मट ऑफ व्हीट, इसमें कुछ भी नहीं होता, 100% क्रॉप लॉस होता है, सबसे ऊपर देखिए। और उसमें जो लूज स्मट का जो पैथोजन होता है वो उसके उसके बगल में पिक्चर लगा है, एम्ब्रियो के अंदर डोरमेंट स्टेज में रहता है और पौधे के साथ बढ़ता जाता है, जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आती है वहां पर काला काला पाउडर निकल के आ जाता है। दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि सीड को देख करके आप
नेकेड आई से बता ही नहीं सकते, इसके लिए एम्ब्रियो काउंट मेथड है और उसमें स्टेन करके अंदर देखते हैं कि एम्ब्रियो इन्फेक्टेड है। बगल में मैंने फोटो लगाई है आपके रेफरेंस के लिए। उसके अलावा सेकंड नंबर पे देखिए करनाल बंड इन्फेक्टेड सीड है। करनाल बंड से इन्फेक्टेड अगर एक भी सीड आपके सीड लॉट में चला गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सटर्नली सीडबॉर्न पैथोजेंस मींस करनाल बंड में देखिए इंटरनली एक्सटर्नली दोनों है, सीड के बाहर भी और सीड के अंदर भी हो सकता है। और एक्सक्लूसिवली इंटरनली सीडबॉर्न जैसे लूजमट का है, मैंने बगल में एम्ब्रियो लगा के रखा है, देखिए उसके बिल्कुल अंदर है, आपको दिखाई नहीं देगा। तीसरा एडमिक्सचर जिसे बोलते हैं सीड कॉन्कोमिटेंट कंटामिनेशन, इसमें जो उसके अंडे हैं वो सीड लॉट के साथ चले जाते हैं, जैसे खास तौर से टुंडू डिजीज ऑफ वीट में होता है और इसमें ये चले जाते हैं सीड लॉट में उसके एडमिक्सचर के उसके साथ में, जैसे इसमें आपके बैक्टीरिया ब्लैक लेग ऑफ कैबेज है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन है और आपका बीन कॉमन मोज़ेक वायरस है और एयर कोकिल ऑफ वीट और पेडी वाइट टिप, इसमें इनके नेमेटोड के जो गाल्स हैं वो सीड लॉट के साथ नई जगह में जा करके इट कैन कॉज डिवास्टेटिव लॉस टू द फार्मर्स। नेक्स्ट अब आद आते हैं वेक्टर ट्रांसमिटेड लाइस। तो सभी जानते हैं कि व्हाइट फ्लाई है ये आपका पिजन पी स्टरलिटी मोज़ेक वायरस का कैरियर है और थ्रिप्स हैं वो चिली लीफ कर्ल वायरस की कैरियर है। अभी नेक्स्ट सेशन में आपका ये सब बताएंगे तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट स्पीकर के लिए। तो ये इंसेक्ट वेक्टर होते हैं कैरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट ऑन द माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। ये खास तौर से ज्यादातर वायरस ही इसमें फैलते हैं, इवन आदमी तो वायरस भी फैला सकता है, बैक्टीरिया भी फैला सकता है, निमेटोड भी फैला सकता है और बुरसी भी फैला सकता है। या प्रूनिंग जब हम कटिंग कर रहे हैं तो हमारे अगर इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड हमारे इंस्ट्रूमेंट है तो उससे भी हम बैक्टीरियल फंगल और वायरल डिजीज फैला सकते हैं। ये निमेटोड कई बार क्या होता है सॉइल में निमेटोड है और पर्टिकुलर डिजीज वो कैरी करके हेल्दी प्लांट्स को पहुंचा सकता है। फिर तीसरा फंजाई, कुछ फंगस भी जो इसको फैलाते हैं। देन उसके सिम्टम्स क्या क्या है, क्या लक्षण हैं बीमारी के। तो लक्षण जो है लोकल एक पर्टिकुलर पॉइंट में हो सकते हैं, जनरल लक्षण हो सकते हैं, जैसे नेक्रोटिक सिम्टम्स हैं जो धब्बे पत्ती में देखते हैं, लीफ स्पॉट है, ब्लाइट है, कैंकर है, डाइबैक है, रूट रॉट है, डैम्पिंग ऑफ है, मैंने जैसे आपको दिखाया था बेसल स्टेम रॉट है, खास तौर से फाइटोफ्थोरा का जो फूट रॉट होता है आपके ऑरेंज वगैरह में वो दिखाई देता है, सॉफ्ट और ड्राई रॉट है, ये आलू में खास तौर से ज्यादा दिखाई देता है, आलू और एप्पल वगैरह में भी दिखता है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज है, स्कैब डिक्लाइन आपको मालूम है जैसे ऑरेंज डिक्लाइन की आप बात करते हैं, है ना, और इस तरीके के ये नेक्रोटिक सिम्टम दिखाई देते हैं। इवन आपका विल्ट और आपका विल्ट में भी इसी तरीके के सिम्टम दिखते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ सिम्टम्स में जैसे आपका अभी वेजिटेबल पे होगा वो क्लब रूट ऑफ कैबेज डिजीज होती है, उसमें एक पूरा गोल गोल गुच्छा टाइप का बन जाता है रूट का। दूसरा गाल्स, रिमेटेड गाल्स हो सकते हैं, वॉट्स, पोटेटो वॉट बड़ा कॉमन है, विच इज ब्रूम मैंने आपको दिखाया था, ये चुड़ैल का झाड़ू जैसा बन जाता है पीछे आपका डाउनी मल्डी ऑफ बाजरा में, तो विच इज ब्रूम बोलते हैं, लीफ कल्स ये सब आप जानते हैं। इसके अलावा एडिशनल सिम्टम्स जो है विल्ट है, रस्ट है, स्मट्स है और मल्ड्यू, बॉर्डरी मल्ड्यू और डाउनी मल्ड्यू, मतलब ऊपर पत्ती के ऊपर सफेद पाउडर रंग का की ग्रोथ आ जाती है उसे पाउडरी मल्ड्यू बोलते हैं, अगर पत्ते के नीचे की तरफ डाउनी ग्रोथ है तो उसे डाउनी मल्ड्यू बोलते हैं। ये इसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट बैक्टीरिया जो सिम्टम करते हैं, क्राउन गाल क्लासिकल एग्जाम्पल है, गांठ बना देते हैं, और फायर ब्लाइट है ऊपर से ऐसा लगता है जैसे आग से झुलसा हुआ है, ये रूट रूट में है, मतलब उसमें रूट हेयर टाइप के दिखाई देते हैं, सॉफ्ट रॉट, कैंकर्स, विल्ट, स्कैब, ब्लाइट, लीफ स्पॉट, रूट नोड्यूल्स, रूट जड़ में गांठ बना देते हैं, लेग्यूम की जड़ों में गांठ बनाने वाले इवन वो बैक्टीरिया के सिम्टम है। नेक्स्ट
वायरस सिम्टम बड़े टिपिकल होते हैं और ये जो है किसी भी प्लांट पार्ट में हो सकते हैं। ज्यादातर इसमें थोड़ा पकरिंग टाइप की होती है, लेदरी टाइप की लीफ हो जाती है, थोड़ा मोटी मोटी हो जाती है, सॉफ्ट, और उसमें स्टंटिंग मतलब वो बोना रह जाता है पौधा, प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है पौधे की, मोज़ेक टाइप सिम्टम जैसे लाल पीले वो मोज़ेक टाइप के डिजाइन टाइप के बन जाते हैं, मॉटलिंग, मॉटलिंग मतलब पकरिंग ऑफ लीफ, मोटी सी हो जाती है, है ना, स्ट्रीक लीफ, स्ट्रीक भी होता है, एक लाइन और रिंग पैटर्न भी होता है, रिंग स्पॉट वायरस का जो ये है, वेन क्लियरिंग, वेन बेंडिंग, क्लोरोटिक स्पॉट और रिंग स्पॉट्स, जैसे येलो बीन, येलो मोज़ेक वायरस में देखिए कैसा टिपिकल इसका सिम्टम है। नेक्स्ट, अब मजा ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो पौधा है क्या सफर कर रहा है। सबसे पहले आपको आउट करना है कि इट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी बायोटिक स्ट्रेस, जैसे लो टेम्परेचर, लेट फ्रॉस्ट, टिप और ब्लूम नेक्रोसिस, बार्क स्प्लिट हो जाती है, यहाँ तो खैर नहीं होती है लेकिन ठंडे इलाकों में, या इवन यहाँ भी कई बार मैंने देखा है कि ऑरेंज में बार्क स्प्लिट कहीं कहीं होता है, उसके बाद उसमें गमोसिस हो जाता है, इंटरनल ब्रांच नेक्रोसिस, विंटर ड्राइंग ऑफ एवरग्रीन्स, कोल्ड वाटर रिंग्स, लीफ मार्जिन नेक्रोसिस, फ्रॉस्ट इंजरी, हाई टेम्परेचर, सन स्कैल्ड, ये यहाँ पर ज्यादा होता है, वाटर कोर भी होता है, ब्लॉसम एंड रॉट, ये खास तौर से सिट्रस में और टोमेटो में बहुत ही, टोमेटो और आपका कैप्सिकम इसमें बहुत ही कॉमन है, और जहाँ लाइट की कमी हो जाती है तो पीला पड़ के लंबा हो जाता है पौधा, उसे इटियोलेशन कहते हैं, और जब ज्यादा लाइट हो जाती है तो उसे सन स्कैल्ड बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब मॉइस्चर कम होता है तो लीफ स्क्रॉची ग्रोथ हो जाती है और विल्टिंग भी हो जाती है जब मॉइस्चर कम पड़ता है, और हाई मॉइस्चर होने से फ्लड डैमेज, ओडिमा, रॉट, रूट रॉट इस तरीके की होती है। लो ऑक्सीजन होने से क्या हो जाता है, ब्लैक हार्ट ऑफ ट्यूबर, जैसे मैंने आलू में बताया आपको, अंदर से जब काटते हैं तो यहाँ तो बहुत मिलता है ब्लैक हार्ट वाला आलू, खासतौर से जाड़ों में जब मैं देख रहा था, तो मैक्सिमम जहाँ हैवी सॉइल्स होती हैं वहां अगर फॉल्टी इरीगेशन हो तो अंदर से आलू काला पड़ जाता है, काटें तो बीच में से काला दिखाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड हेलो हार्ट ऑफ पोटेटो डिजीज। इसके अलावा यहाँ एक चीज और कॉमन है, दैट इज कॉल्ड, अब मैं, मेरे दिमाग से हट गया अभी मैं बता रहा था, तो अभी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। हाँ, ये खास तौर से संतरे के जो बगीचे वाले लोग हैं कई बार वो फॉल्टी इरीगेशन देते हैं, एक्सेसिव इरीगेशन दे देते हैं, उससे भी कैल्शियम की पौधे में कमी हो जाती है, उससे भी फिर आपका ब्लॉसम एंड रॉट सिट्रस में होता ही होता है, और जहां तक जहां जिन लोगों का फ्लड इरीगेशन है जहां पर वहां पर ये ज्यादा प्रॉब्लम है, जो लोग अपने ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, मैंने आपको ये सिम्टम दिखाए हैं, देखिए गार्डन इज ड्रेमेज है, ये हर्बिसाइड इंजरी से होता है, यहाँ पर एक एक्सट्रीम लेफ्ट में फोटो है, फिर ब्लैक टिप ऑफ मैंगो देखिए, और एयर पोल्यूशन से भी क्लोरोसिस, ब्लिज लीव, स्टंटिंग, लीफ मार्जिंग नेक्रोसिस, प्रीमेच्योर डिफोलिएशन, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो 16 माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे 12 उसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट एनपीके छोड़ दीजिए, इनका डिफिशियंसी सिम्टम किस तरीके का आता है, और ये पिक्चर तो मेरे ख्याल से हर एक के माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड में ये सबसे पहला टूल है जहां पर हम देखते हैं। अगर हम जाम के पौधे बगीचे में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि फास्फोरस डिफिशियंसी ज्यादा रहती है उसमें, ऊपर से लाल लाल दिखाई देता है, और नाइट्रोजन डिफिशियंसी, मैग्नीशियम डिफिशियंसी भी खास तौर से जहां पर भाजीपाला हम लोग करते हैं वहां पर भी काफी दिखाई देती है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन जनरल इतनी ज्यादा नहीं दिखती है, क्योंकि आदमी यहाँ पर ज्यादा वो है मैग्नीज डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी, मैग्नीशियम डिफिशियंसी, पोटेशियम डिफिशियंसी समटाइम्स, जहाँ किनारे किनारे से सूख जाती है पत्तियां और किनारे किनारे रह जाती हैं,
तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए टू रूल आउट एनी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी फ्रॉम द अफेक्टेड प्लांट। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पेस्टिसाइड यूज। पेस्टिसाइड जो है आपके फूड चेन में एंटर कर सकता है, एक्युमुलेट हो जाता है, और इसका बर्निंग एग्जांपल डीडीटी है। देखिए पानी में गया, पानी में 1000 है, पानी में एक है, तो उसके जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो 1000 लेके आएगा। जू प्लैंकटन पे जाता है तो 10000 हो जाता है, और छोटी फिश उसको 100000 में, मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है, फिश ईटिंग बर्ड्स तक पहुंचता है। तो देखिए कैसे ये हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सम पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, दे आर वेरी परसिस्टेंट एंड दे कैन कॉज हैवॉक। सो इन व्यू ऑफ दैट, ऑर्गेनिक सिस्टम इज द ओनली आंसर टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्लीज। अब आपको मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के लिए यही सब टेक्निक देखनी है, अवॉइडेंस टेक्निक्स, क्रॉप रोटेशन, साफ सफाई, स्वच्छता रखें, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट, सीड क्वालिटी, आपका बीज डिजीज फ्री सीड होना चाहिए, और वीड मैनेजमेंट। एज सच ऑर्गेनिक फार्मिंग नथिंग इज वीड, एवरी प्लांट इज यूजेबल। अगर आपके वीड आ रहे हैं तो उनको इनिशियली ही फ्लावरिंग से पहले आके उखाड़ के उनको बढ़िया से आप उससे कंपोस्टिंग करिए। उसके अलावा डिजीज फोरकास्टिंग, मतलब बीमारी का पूर्वानुमान, इस एरिया में ये बीमारी इस टाइम पे आती है तो हमें इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंट मटेरियल, फिर उसके बाद उसका प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये सब कहाँ आएगा, रिकॉर्ड कीपिंग से, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्म मैनेजमेंट। दूसरा, क्रॉप ग्रोथ एनवायरमेंट को मैनेज करना है, कैसे, हेल्दी सॉइल, क्रॉप एंड वेराइटी सिलेक्शन। ऐसा नहीं, आप यहाँ मैं देखता हूँ कई बार थाइमोन गुआवा दिस दैट लेकर के आते हैं और ये नहीं देखते कि उनके यहाँ क्या उसको कोई थ्रेट है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉप एंड वेराइटी सिलेक्शन। यू शुड हैव थॉरो नॉलेज, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे यहाँ कौन कौन सी बीमारी इस फसल को मैं लगाने जा रहा हूँ आ रही है, तो मुझे ऐसी कोई वेराइटी सिलेक्ट करनी है जो पर्टिकुलरली इस बीमारी के लिए या इस इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो। तीसरा, इंटरक्रॉपिंग, मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर एग्जांपल दिखाऊंगा जो मैनेजमेंट के लिए लोगों ने किए हैं, मेरे पास फोटो है। दूसरा, सीडिंग डेट, सीड रेट, डेप्थ ऑफ टाइम एंड सीडिंग, ये मेरे नेक्स्ट स्पीकर कवर कर लेंगे, मेरे ख्याल से टाइम भी कम है। ट्रैप स्ट्रिप्स, टीलेज, रोगिंग तो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि उठा करके हम ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो हेल्दी सॉइल, हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल, मेंटेन बायोडायवर्सिटी, नेचुरल बैलेंस ऑफ इंसेक्ट और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप ये तीन चीजों को फॉलो करेंगे, हेल्दी सॉइल, हेल्दी मटेरियल, मेंटेन बायोडायवर्सिटी, इट विल नेचुरली बैलेंस द इंसेक्ट डिजीज विच आर कॉजिंग द प्रॉब्लम। दूसरा, नेचुरल प्रोडक्ट्स टू ब्रिंग डाउन द हायर पॉपुलेशन लेवल, जैसे नीम केक है, करंज केक है, और बहुत सारे नॉन एडिबल केक्स आते हैं। ध्यान रखिए, अब पैथोजन रीच पेस्ट प्रोपोर्शन व्हेन इट्स नेचुरल बैलेंस लॉस। सो इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वी आर मैनेजिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ द पैथोजन्स सो दैट दे विल कीप अवे By our good agricultural practices। आजकल एक नया आ गया है, GAP certification कहते हैं, good agricultural practices। It is organic farming का जो basic concept है वो यही है। Next please। ये जो आपके कुछ हैं major मैंने आपको, तो crop hygiene, साफ सफाई रखिए, agronomic practices proper करिए, अगर पानी, अगर root rot वगैरह है raised bed में करेंगे तो आपको वो problem नहीं आएगा। Prevention is always better than cure। फिर उसके बाद genetic resistance, मैंने आप discuss कर चुका। Interventions मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे practical intervention है। Trap crops, intercropping, crop monitoring, decision support system, habitat management। फिर आता है biological control and then botanicals and pesticides। Next please। So
सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट इज कैपेसिटी टू रिमेन प्रोडक्टिव एंड मेंटेन द रिसोर्स बेस. इट इज इकोलॉजिकली साउंड, इकोनॉमिकली वायबल, सोशली जस्ट एंड एडोप्टेबल. ये मूल मंत्र है इसका, पेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग का. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंक्रीजिंग नेचुरल एनिमी लोड, रिलीजिंग पैरासिटॉइड प्रेडेटर्स, इंक्रीजिंग बर्ड्स माइक्रो, ये बहुत सारी चीजें हैं. नॉलेज लेबर बॉटनिकल्स, ये सब आप जानते हैं. फिरेमोन, स्टिकी ट्रैप, स्पोर ट्रैप, ये इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा. नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन डायनेमिक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं आप टुवर्ड्स द बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स. सिलेक्शन ऑफ साइट, जब आप साइट का सिलेक्शन करते हैं आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ऊंची है नीची है. अगर नीची है तो आप रेज बेड में लगाइए क्रॉप, है ना. और अगर हैवी सॉइल है तो उसको उसमें आप ऐसी क्रॉप लगाइए जो हैवी सॉइल में होती है. दूसरा, क्रॉप सिलेक्शन रेजिस्टेंट, आप उस एरिया में जो क्रॉप सिलेक्ट है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड रेजिस्टेंट और टॉलरेंस है कि नहीं है. प्रॉपर प्लांट न्यूट्रिशन और एस्केप मैकेनिज्म, अर्ली प्लांटिंग लेट प्लांटिंग करके एस्केप कर सकते हैं इसे, मेरे ख्याल से भाजीपाला और उसमें अभी नेक्स्ट स्पीकर बताएंगे. देन क्रॉप रेजिंग मेथड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट. देन क्रिएटिंग हैबिटेट फॉर एंटागोनिस्ट बाय ऑगमेंटिंग बायो कंट्रोल एजेंट, जैसे आप कहते हैं बायोमिक्स लगा दीजिए, ट्राइकोडर्मा लगा दीजिए, ये वहां पर आ गया हैबिटेट एंटागोनिस्ट की ऑगमेंटिंग बायो कंट्रोल एजेंट. लेकिन उसके हैबिटेट बनाने के लिए आपको उसको कंपोस्ट देना पड़ेगा, उसका खाना देना पड़ेगा. देन डिटरमिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड्स बिफोर द रिएक्टिव मेजर्स. आप ऐसा नहीं एक कीड़ा दिखाया, एक पत्ता दिखा तो शुरू हो गए अंधाधुंध केमिकल में, ऐसा नहीं है. तो आपको थ्रेशोल्ड लेवल भी करना है. और मेरा जो पर्सनल अनुभव है, खासतौर से हल्दी वगैरह में मैंने देखा है, हल्दी मिर्च वगैरह में, इन ऑर्गेनिक सिस्टम्स इफ यू आर फॉलोइंग प्रॉपरली द लॉस इज लेस देन 10%. And that is not beyond economic threshold level. Next. Ecological basis के लिए क्या management strategies अपनाएंगे? साफ सफाई, disease free planting material, organic amendments, मतलब आप compost भी लाएंगे उससे भी कई बीमारियां कम होती हैं, वर्मी कंपोस्ट से भी कम होती है. नीम के, डीओइल्ड के, करंज के, जो भी आप कर रहे हैं, इवन आप दसपर्णी अर्क, ये सब आप यूज कर सकते हैं. यूज ऑफ सॉइल इंपैक्टिंग एफिड, जैसे बायोमिक्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्राइकोडर्मा है, ये यू कैन यूज इट. और जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे बनाएंगे? क्रॉप रोटेशन. फिर सारी जो पादप रोग मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको इंटीग्रेट करेंगे फार्म मैनेजमेंट सिस्टम में. ये नहीं कि एक अच्छा पहले ये कर लें फिर ये कर लें, ऐसा नहीं. जब फार्म मैनेजमेंट प्लानिंग करेंगे तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट ऑल दीज सिस्टम. नेक्स्ट, अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए क्या होगा? इरिगेशन, सिंचाई, उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्वालिटी है पानी की, क्या टाइप है, क्या हमारा साइट है, क्या हमारा सिस्टम है इरिगेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साइट सिलेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्रूनिंग, थ्रिनिंग, थ्रेसिंग, थ्रिलिंग एंड प्लांट स्पेसिंग, रो स्पेसिंग, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है. अगर ज्यादा घने लगाएंगे तो ज्यादा पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है, और ज्यादा अगर आप दूर दूर लगाएंगे तो हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम, ये सब आपको देखना पड़ेगा. बेड्स वर्सेस फ्लोट प्लांटिंग, आपका बेड किस तरीके से रहेगा. दूसरा, एनुअल वर्सेज पेरिनियल, एनुअल प्लांट के लिए कुछ और स्ट्रेटजी होगी सीजनल के लिए, और जो बहुवर्षीय पौधे उनके लिए और होगी. मल्चिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मल्चिंग, ऑर्गेनिक मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फसल में आप मल्चिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसी फसल के अवशेष की मल्चिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. दूसरा, मल्चिंग कर रहे हैं तो मल्चिंग में नीचे आप थोड़ा ट्राइकोडर्मा भी दे सकते हैं, थोड़ा कंपोस्ट के साथ, ताकि, और मल्च में ऊपर से पानी देंगे तो मल्च आपको कई तरीके से प्रोटेक्ट करती है. सबसे पहले आपका सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, दूसरा वाटर इवेपोरेशन रोकती है, तीसरा वीड कंट्रोल करती है, चौथा अगर आप उसमें ट्राइकोडर्मा या बायोमिक्स वगैरह देख के मल्चिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से, तो वो आपका आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ऊपर उसमें पानी मिलेगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मैन्यूअर एंड इट विल फर्दर एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ योर सॉइल. दूसरा, उत्पादक फर्टिलिटी, पीएच मान
और प्लांट न्यूट्रिशन, ओवरऑल प्लांट न्यूट्रिशन बैलेंस एंड टाइमली हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने आपकी अपनी फसल टाइम से हार्वेस्ट नहीं करी तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। दिस इज द पिक्चर ऑफ मॉडल ऑर्गेनिक फार्म इन बीसीकेवी कल्याणी। आप देखिए डिफरेंट टाइप्स, बीच में हल्दी लगी, कितना विदाउट एनी सिंथेटिक केमिकल्स फर्टिलाइजर। यू कैन सी याम लगा, एलिफेंट फूट लगा है, गुआवा भी है, साइड में नीम भी है, इधर एक साइड में ये लास्ट कॉर्नर में आपको अरहर की क्रॉप भी लगी है। दे मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड यू कैन सी द हेल्थ ऑफ द क्रॉप। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम कसम, ये कंधमाल में है। देखिए जिंजर लगाए, नेचुरली मल्चिंग हो रही है, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में, नहीं इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, हाँ टॉप मोस्ट में आप देखिए कि ये फॉरेस्ट के बीच में है और पत्ता गिर रहा है, क्योंकि वो जाड़ों में पतझड़ में पत्ते गिरते हैं बड़े पौधों के, वो आकर के इसमें अदरक में मल्चिंग दे रहे हैं। ऐसे ही आप नीचे देखिए, दिस इज ऑल्सो नेचुरल मल्च, नेचुरली इसमें किसी ने लाके डाला नहीं है। आपका मिर्च में, मिर्च में, अरे बैक जाइए गुरुजी, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पहले, नेक्स्ट, हाँ बैक, एक बैक, यस। अब आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा इसका एरिया है, इसमें सनफ्लावर इज देयर, मेज इज देयर एंड ऑनियन इज देयर, चिली इज देयर एंड गार्लिक इज ऑल्सो देयर, एंड यू कैन सी द टाइप ऑफ क्रॉप अंडर ऑर्गेनिक मैनेजमेंट सिस्टम बाई क्रिएटिंग द बायोडाइवर्सिटी। एंड इसमें आप देखिए कि मिर्च जो कैप्सिकम और चिली है, नो प्रॉब्लम एट ऑल वॉज देयर बिकॉज दे फॉलोड ऑल द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, दिस इज अनदर सिस्टम वेयर मेन क्रॉप इज ब्रिंजल, जो आपका बैंगन है वो मेन क्रॉप है। पीछे जाइए, पीछे पीछे जाइए, हाँ मेन क्रॉप बैंगन है, और साथ में उसको बचाने के लिए इन्होंने मक्का लगा रखा है साथ में। ब्रिंजल जो है 18-18 तक स्प्रे लोग करते हैं इंसेक्टिसाइड के, इसका एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज फ्रूट एंड शूट बोरर। अब इसमें सिंक्रोनाइजेशन देखिए कितना बढ़िया उसमें प्लानिंग है, कि जब ब्रिंजल में फ्लावरिंग है उसी टाइम पे इसकी मक्का की मूस आ रही है असल इनिशिएशन, और जो ऊपर बर्ड उड़ रही है वो मक्का के लिए नीचे बैठेगी, और यहाँ इसको जो मादा है फ्रूट एंड फ्रूट फ्रूट एंड शूट बोरर की, वो अंडा देने के लिए निकलती है फ्लावर में इसी टाइम पे, वो मादा को कैच करके वो अपना नॉनवेज एंजॉय करती है बजाय मेहनत करने के कि मक्का के लिए टसल को छील दे। तो इसी तरह से नेचुरली फ्रूट एंड शूट बोरर कंट्रोल हो जाता है, और इस मेथड से एक भी स्प्रे नहीं लग पड़ता फ्रूट एंड शूट बोरर के। 90% फ्रूट एंड शूट बोरर बैगन का इससे कंट्रोल हो जाता है, जबकि मॉडर्न एग्रीकल्चर में 18-18 स्प्रे तक लोग इसमें दे रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट मॉडल फार्म ऑफ होली क्रॉस केवी के हजारीबाग। इसमें देखिएगा गेंदा भी लगा है, हल्दी भी लगी, तुलसी भी लगी है, जिंजर है, हल्दी है, बाकी और सारी क्रॉप लगी है। नेक्स्ट में जो आपने भी दिया है, या ये यहाँ के लिए विदर्भ का आपका एग्जाम्पल है, ये हमारे कृषि भूषण सुधाकर जी कुबड़े का फार्म है। इन्होंने देखिए कितना अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है, दो संतरा झाड़ के बीच में इन्होंने ऑनियन और गार्लिक लगाया, क्या एलेलोपैथिक इफेक्ट आता है ऑनियन में। यस प्लीज, हाँ सर थोड़ा जल्दी कीजिए, तो टाइम कम है अपने पास, प्लीज। तो नेक्स्ट प्लीज, यस सर 5 मिनट्स। ये सुधाकर जी कुबड़े का देखिए किस तरीके का इन्होंने सिस्टम किया है, दे आर हैप्पी, दे मैनेज्ड ऑल द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ दीज क्रॉप्स। नेक्स्ट प्लीज, कल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रॉपर इरिगेशन, ओवरहेड इरिगेशन, इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ डिजीज, अवॉइड ओवर वाटरिंग, इंप्रूव सॉइल ड्रेनेज, इंप्रूव एयर सर्कुलेशन, ये बहुत सारी चीजें हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस में
ये अपना आप जानते ही हैं. नेक्स्ट प्लीज. यस, मैंने बोला प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और ऑर्गेनिक सिस्टम में प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि Next. तो इम्यून सिस्टम ऑफ प्लांट, इम्यून सिस्टम ऑफ प्लांट कैसे होगा, टॉलरेंस और उसका एक्टिव डिफेंस और नॉन परफॉर्मेंस. तो टॉलरेंस कहां से आएगी, थ्रू इंक्रीज ग्रोथ, मतलब उसको आप प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो वो टॉलरेंट रहेगा. उसके अलावा एक्टिव डिफेंस के लिए कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो सिक्रीट करता है, जैसे आपका कॉटन में जो आपका विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हाइड्रोसाइनिक एसिड वगैरह सिक्रीट करते हैं, या उसके लीव्स में हेयर्स होंगे, या कुछ स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करता हो, या रूट्स में भी ऐसा होगा ताकि पैथोजन उससे दूर रहे. ऐसे ही अनअट्रैक्टिव कलर, हेयर्स, डिटरी मतलब थोड़ा गंदी स्मेल, वैक्स कवर ऑन लीव्स, ये जो है आपके नॉन प्रेफरेंस वाले हैं जो प्लांट के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं. नेक्स्ट प्लीज. सो सॉइल सोलराइजेशन, ऑल यू नो, इसमें क्या करते हैं कि डीप समर प्लाउइंग करके थोड़ा इरिगेशन देके उसे पॉलीथीन शीट से कवर कर देते हैं, और ताकि उसके अंदर का टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुंच जाता है. दो दिन बाद छोड़ करके उसे फिर दो दिन बाद खोल के फिर बंद कर देते हैं. इस तरीके से उसको करने के बाद उसको लास्ट में ट्राइकोडर्मा से इनोकुलेट कर देते हैं. ट्राइकोडर्मा इज द प्राइमरी कोलोनाइजर, इट विल आउट कम्पीट ऑल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सॉइल, एंड इट विल बी वेरी इफेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट, येलो स्टिकी ट्रैप्स, ये इंसेक्ट वाले बता चुके होंगे आपको, बस थोड़ा सा आपको जानकारी देना था. देन नेक्स्ट, ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, मॉनिटर थ्रिप्स एंड लीफ माइनर्स के लिए करते हैं. नेक्स्ट, बॉटनिकल्स आपको मालूम है, नीम, चाइना बेरी, महोगनी, महुआ, कस्टर्ड एप्पल, बहुत सारी चीजें हैं, मैरीगोल्ड, ये सब यूज करते हैं. नेक्स्ट, दस पर्णी अर्क में भी आप ये देते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस, फ्लोरिसेंट सुडोमोनास, आपका बायोमिक्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर, दे आर कमिंग. नेक्स्ट, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से एंटोमोलॉजी वाले ने बताया होगा कि प्रीडेटर इंसेक्ट्स हैं. नेक्स्ट, ये देखिए व्हाइट ग्रब को कैसे खा रहे हैं. नेक्स्ट, नेचुरल एनिमीज, ये सब मेरे ख्याल से आपको बताया गया होगा पुराने स्पीकर ने. फंगल, बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस, ट्राइकोडर्मा, फिर मेट्राइजियम, बावेरिया, वर्टिसिलियम, नुमेरिया रेलिया, बेसिलस थुरिंजियंसिस, दीज ऑल आर द थिंग्स. नेक्स्ट, बायोपेस्टिसाइड, बायोइंसेक्टिसाइड, बायोनेमेटिसाइड. नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाइए, एंटोमोफिलिक निमेटोड्स एंड बायोरेसिनल्स, मिनरल बेस्ड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, दीज आर द biopesticide products available. Then Trichoderma is a wonderful organism which can give you the different results, and you can use it as a decomposer for your organic waste. It's the best available thing. Next. हाँ, इसके बाद आ जाइए. Next. अप्लाइड बायोकंट्रोल में रिलीजिंग द नेचुरल एनिमीज, में पैरासिटॉइड, प्रीडेटर, पैथोजन, जैसे ट्राइकोकार्ड वगैरह की बात हम कर रहे थे, बावेरिया बेसियाना. फिर नेक्स्ट, एंटमो फंगल पैथोजन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया आर देयर, बावेरिया बेसियाना, मेट्राइजियन एनसिकली, वर्टिसिलियम रेसिनी एंड न्यूमेरिया रेलिया, सो मेनी दीज आर देयर, एंटमोप्थोरा ओलिसी, एंड दीज आर देयर टारगेट ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा उसको पैथोजेनिक वह है आपके पेस्ट को खा जाता है. नेक्स्ट, सम कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इंसेक्टिसाइड्स, दीज आर द कमर्शियल प्रोडक्शंस एंड दीज आर देयर नेम, माइक्रो कंट्रोल, न्यूट्रेलिस, बायो 1020, बायो ब्लास्ट, ग्रीन मसल, ऑल दीज आर द कमर्शियल नेम्स. नेक्स्ट, एंड दीज आर द एनपीवीज फाउंड फ्रॉम recorded from India. Next, ये आप देख सकते हैं कि Sclerotium rollsi है, उसको किस तरीके से Trichoderma एकदम outcompete कर दिया है, और बीच में आप देख सकते हैं next दूसरी वाली plate में inhibition zone बन रहा है, उसको वो खत्म कर देता है. Next, हाँ, this I wanted to discuss with you. ये मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ.
हम लोग अभी महाराष्ट्र में बड़ा प्रोग्रेसिव लोग हैं, है ना। और यहां पर अभी एक प्रॉब्लम आया था पीछे नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, कि एक काले रंग का कीड़ा जो था उसमें चिली के फ्लावर में चला गया, बाद में फ्लावर ड्रॉप हो जाता, और ये शुरू हुआ आंध्र प्रदेश से और ये अपने महाराष्ट्र में भी फैला। इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। और बाद में ब्लैक थ्रिप्स जो इन्वेसिव है, इंडिया का है ही नहीं, जो बाहर से पपाया हम लेकर के आए, ताइवान वाला जो हम लेके आए उसके साथ ही आ गया, और ये मेजर पेस्ट बन गया है पिछले कुछ सालों में। और चिली और कैप्सिकम में ये रिपोर्टेड नहीं था, टमाटो ब्रिंजल पोटेटो वेजिटेबल क्रॉप में था। ए ब्लैक थ्रिप्स वर ओनली फाउंड इन द क्रॉप्स लाइक सम सिट्रस स्पीसीज प्लांट। और यहाँ तो संतरे भी झाड़ में पहले नहीं आता था, इस बार वो भी दिखाई देने लगा, सबसे ऊपर लगा है, मेरे एक मित्र ने भेजा है। और ये फोटो मेरे मित्रों ने भेजे हैं, बोलिए देखो साहब ये प्रॉब्लम है क्या करें। और कैप्सिकम चिली में तो इसने बवंडर मचा दिया, जो केमिकल जो पेस्टिसाइड लोग स्प्रे करते थे काम ही नहीं करता इस, क्यों? क्योंकि जब वो स्प्रे करते थे तो ये फूल के अंदर घुस जाता था। तो अब क्या हुआ, इसकी स्ट्रेटजी निकाल, इसका इलाज है येलो, नॉट येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप। और सबसे पहला है साफ सफाई, फील्ड सैनिटेशन, रिमूविंग द वीट प्लांट हार्बरिंग द ब्लैक थ्रिप्स, यूज ऑफ ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, 40 से 50 ट्रैप पर एकड़ के हिसाब से लगाने से ये इफेक्टिव पाएगा। उसके बाद नीम ऑयल, अगर 5 ml पर लीटर के हिसाब से अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो दैट ये बहुत ही इफेक्टिव है, उसके अंडों को, लार्वा को और एगलिंग को भी प्रिवेंट करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ जमीन, और उसमें सभी उपयोगी सूक्ष्म जीव और पोषक तत्व होते हैं, और इससे उसकी इम्यूनिटी, जिसे अभी आजकल तो इम्यूनिटी सभी समझने लगे कोविड के पीरियड में, बढ़ती है और विभिन्न बीमारियों पर नियंत्रण रखती है प्राकृतिक रूप से। और कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव या बुरसी जैसे ट्राइकोडर्मा, फ्लोरिसेंट सुडोमोनास, ये रोग पैदा करने वाले जीवों के साथ लड़ते हैं और इन पर नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक सिस्टम कैन डू वंडर्स, यू कैन बिलीव, आपको समझ भी नहीं आएगा आप ऐसा कर सकते हैं जैविक सिस्टम अपना के। ये 1932 में ये ऑर्चर्ड था निर्मल दास गुरुंग ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड, यहां भी वही प्रॉब्लम थी फूट रॉट की। देखिए नेक्स्ट, जो ओरिजिनल नेक्स्ट में जाइए, जब इसमें फाइटोफ्थोरा का इन्फेक्शन आया फूट रॉट का, तो नीचे से जब शुरू हुआ तो उसने क्या किया कि वाइल्ड ट्राइफोलिएट ऑरेंज की सीडलिंग थोड़ी सी लेके नीचे दे दे, जब फाइटोफ्थोरा रूट फूट रॉट आया तो फ्रूट साइज उसका छोटा हो गया, पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिला क्योंकि उसकी रूट सड़ गई। और जब उन्होंने साथ में ट्राइफोलिएट ऑरेंज लगाया, दैट इज रेजिस्टेंट टू, इम्यून टू फाइटोफ्थोरा फूट रॉट, और जब वो पेंसिल के बराबर हो गया उन्होंने मेन स्टेम में इसको इंसर्ट कर दिया, और आफ्टर सम टाइम जो उसका ओरिजिनल सूट रूट थी वो खत्म हो गई पौधे की, लेकिन जो उसको सपोर्ट मिला एक के बदले 4 रूट से सपोर्ट, होस्टर रूट से सपोर्ट मिल गया, और उसका प्रोडक्शन डबल हो गया, फ्रूट साइज भी बढ़ गया, और उसको न्यूट्रिएंट स्केवेंजर रूट्स मिल गई, उसको ज्यादा उसके न्यूट्रिएंट का प्रॉब्लम करने का चांस नहीं रहा। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं खुद ही, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव टेक्निक, यू कैन सी हियर कि वो 6 इंच तक है ही नहीं नीचे से ऊपर जो इसकी ओरिजिनल रूट थी, और ये होस्टर रूट के सपोर्ट में है, दैट इज ट्राइफोलिएट ऑरेंज। नेक्स्ट, अब एक और अजूबा देखिए, ये तो बहुत रिसेंट है, गोपाल जी जुड़े हैं क्या? दिस इज, ये जो अजूबा है ये सिर्फ जैविक प्रबंधन से ही है। धनिया का झाड़ देखिए कितना है, 7 फुट 1 इंच, और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है।
ये सिर्फ ऑर्गेनिक का कमाल। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया, अपनी बात में ही समाप्त कर सकता करता हूँ। ओवर टू यू मीनाक्षी मैम। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो आपका प्रेजेंटेशन दिया है वो बिल्कुल हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यार अंतर में आज के दूसरे वक्ता डॉक्टर योगेश इंगळे, सहायक प्राध्यापक वनस्पति रोगशास्त्र, अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प लिंबू वर्गीय फळे, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांना इथे आमंत्रित करते। सर, आज आपल्याला फळे व भाजीपाला पिकांमधील जैविक रोग नियंत्रण ह्याविषयी सखोल असं मार्गदर्शन करतील। योगेश इंगळे सर प्लीज। नमस्कार, आवाज येतोय माझा? हो सर हो। आणि स्लाइड दिसत आहे का? यस सर यस। हा नमस्कार, शेतकरी बंधूंनो, वसंतराव नाईक, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत सेंद्रिय शेती संशोधन प्रशिक्षण केंद्र यांच्या मार्फत राज्यस्तरीय 30 दिवसीय ऑनलाइन सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण कार्यक्रम हा 15 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2022 या कालावधी दरम्यान संपन्न होत आहे। आणि आजचा हा 22वा दिवस आहे। आणि आजचं हे सत्र जैविकरित्या भाजीपाला व फळ बागेतील कीड रोग नियंत्रण याबाबत आहे। तर आजच्या या सत्राचे सन्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम घोळवे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ अखिल भारतीय समन्वित ज्वार संशोधन केंद्र, तसेच आमचे वरिष्ठ आणि विभागीय जैविक शेती केंद्र नागपूर येथील डॉक्टर पांडे साहब व शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून पांडुरंगजी डोंगरे इथे उपस्थित आहे यांना सर्वप्रथम मी माझा सप्रेम नमस्कार करतो। आणि माझं आजचं जे व्याख्यान आहे फळे व भाजीपाला पिकातील जैविक रोग व्यवस्थापन याबाबत सादरीकरण सुरू करतो। तर शेतकरी बंधूंनो, आपण जेव्हा कोणतंही फळपीक किंवा भाजीपाला आपल्या बागेमध्ये लावतो तर त्याचं एकत्रितरित्या सर्व एकाच बाबीवर सगळं डिपेंड काही नसतं। म्हणजे तुम्ही चांगलं प्रकारचं बियाणं आणलं परंतु आपली सुपीक जर जमीन नसेल किंवा वातावरण जर चांगलं नसेल तर आपण त्यापासून अपेक्षित उत्पादन घेऊ नाही शकत। त्यामुळे जमीन, हवा, पाणी, सूक्ष्मजीव, वनस्पती आणि कीटक अशा विविध बाबींचा आपल्या शेती आणि त्यातून उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनाशी परस्पर आणि दीर्घकालीन संबंध हा येत असतो। जर आपली जमीन जर सुपीक असली तर सर्व बाबी ह्या घडून येतात, आपल्याला अपेक्षित उत्पादन मिळतं। कारण या जमिनीमध्ये सर्व घटक एक प्रकारची अन्नसाखळी असती, ती निर्माण झालेली असती आणि त्या अन्नसाखळीमध्ये जर बाधा झाला तर आपल्याला अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही। बरेचदा काय होतं की शासनाची जी फलोत्पादन योजना आहे त्यामध्ये काय सांगितलं जातं की तुमच्या जमिनीचं आरोग्य कार्ड देणं आवश्यक आहे। जमिनीचं आरोग्य कार्ड आपण घेतो, मृदा चाचणी प्रयोगशाळेतून बरेच शेतकरी बंधू फळझाड लागवड करायच्या आधी नत्रस पुरत पाला, सामू, तसंच निव्वळ चुन्याचं प्रमाण ह्या प्रकारच्या बाबी आपण टेस्ट करतो प्रयोगशाळेत। परंतु कोणी कधी विचार केलेला आहे का की आपल्या जमिनीमध्ये सूक्ष्मजीवांची घनता किती आहे? किती आहे? माझी विनंती आहे शासनाशी या आपल्या जमिनीमध्ये आपल्या जमिनीतील जीव व भार किती आहे हे पाहणे सुद्धा आवश्यक आहे। कारण शेतीच्या पर्यावरणात सर्वच प्रकारचे घटक वर्षानुवर्ष एकत्र राहतात आणि यांचे एक परस्पर संबंध तिथं तयार झालेले असतात। परंतु आपल्याकडून काय होत आहे, वारंवार रासायनिक घातक कीटकनाशके तसेच काही हर्बिसाइड हे जमिनीत टाकल्या जात आहे आणि त्याचा विपरीत परिणाम आपल्या उत्पादकतेत होत आहे। बरेच शेतकरी म्हणतात की मला आधी एवढं सोयाबीन पिकाचं, मला एवढं फळझाडापासून उत्पादन मिळायचं, पण आता ते मिळत नाहीये। तर हे सुद्धा घटक त्यास कारणीभूत आहे की तुमच्या जमिनीतील जैवभार कमी झालेला असेल निश्चितच। तर सरांनी आधी सांगितलंय की वनस्पतीमध्ये रोगांचा प्रसार कसा होतो, एक जमिनीद्वारे होतो, नंतर बियाणेद्वारे होतो, हवेद्वारे होतो आणि किडींद्वारे होतो।
किडीद्वारे सर्वात जास्त विषाणूजन्य हे रोग प्रसारित होतात. हवेद्वारे जे पानावरील डाग असतात, भुरी रोग आहे, रस्ट आहे, अशा प्रकारचे रोग दिसतात. आणि बियाणाद्वारे म्हणजे बियाणं जर दूषित असलं तर बियाणं उगवत नाही आणि उगवलं तर रोपावस्थेत रोप कोलमडणे असे प्रकारचे रोग आपल्याला दिसून येतात. आणि जमिनीद्वारे जे जमिनीद्वारे रोग आपल्याला आढळतात ते सर्वात जास्त घातक असतात. कारण आपल्याला खाली काय जमिनीच्या घडत आहे हे कळत नाहीये आणि जेव्हा झाड पिवळं पडतं किंवा मरतं तोपर्यंत वेळ गेलेली राहते. परंतु मला जर विचारलं तर या चार कारणांपेक्षाही जास्त जर घातक कोण जर रोग प्रसारित करत असेल तर तो म्हणजे आपण मानव. तो कसा तर ते आपण पुढे सांगणारच आहे. कोरोना सुद्धा एक चांगलं याचं उदाहरण आहे की इकडल्या देशातून आपल्या देशात तो कोरोना नव्हता, बाहेरच्या देशातून आलेला आहे. म्हणजे परस्पर मानवांमधून तो प्रसारित झाला. तसेच आपण हे वनस्पतीचे रोग सुद्धा प्रसारित करतो. म्हणजे ज्या भागात आपण ते पीक घेत नाही ते पीक आपल्याकडे आणायचं म्हणजे किंवा प्लांटिंग मटेरियल तिथून आणायचं, रोग बाधित असलेलं आपल्या शेतात लावायचं, म्हणजे तिकडल्या भागातले रोग आपल्या भागात आणण्याचं महत्वाचं काम या चार गोष्टींपेक्षा जास्त मानवच करत आहे. तर फळ पिकावरील महत्वाचे रोग जे आज आपण डिस्कस करणार आहे त्यात मध्ये लिंबूवर्गीय फळ पिकांमध्ये येणारा म्हणजे डिंक्या, पायकूस, मिरची, वांगी, टोमॅटो मध्ये येणारा कॉलर राट, तसेच फळांची गळ, भाजीपाला पिकामध्ये ओलीकूस, कंदसळ, मुळावरील गाठी, रोप कलमडणे असे रोग दिसून येतात. हे रोग होतात. परंतु हे रोग कसे होतात तर हे रोग आपल्या चुकीमुळे होतात. आपणच रोगकारकांना आपल्या जमिनीमध्ये आपल्या मुख्य शेतामध्ये आमंत्रित करतो आणि एकदा ते जर आपल्या जमिनीमध्ये किंवा आपल्या शेतात आमंत्रित केले गेले तर त्यांना तिथून काढणे शक्य लवकरात लवकर होत नाही. कारण कोणतीच गोष्ट आपण या जगातून पूर्णपणे नियंत्रित करू शकत नाही. आपल्या हातात फक्त एकच गोष्ट आहे, मॅनेजमेंट म्हणजे व्यवस्थापन. पूर्ण आपण इरॅडिकेशन कशाचं करू शकत नाही. कारण धरतीवर या पृथ्वीवर सगळ्यांना जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. असं कधीच होत नाही की एक आपण रसायन वापरलं आणि ते पूर्णपणे ती बुरशी किंवा ते जीवाणू किंवा ते विषाणू खतम झाले. तर माझं असं म्हणण्याचं तात्पर्य आहे की 90% रोग हे बागेत मशागतीय पद्धती आणि स्वच्छतेद्वारे नियंत्रित केल्या जाऊ शकतात, जे की सेंद्रिय शेतीमध्ये फार गरजेचं आहे. एकदा रोग आल्यानंतर तो नियंत्रित केल्यापेक्षा रोग येऊ नये हे महत्वाचं आहे. परंतु आपल्याकडे काय होतं, आपल्या ह्या आता जी शेती होत आहे ही आधुनिक होत आहे. रोग दिसला की आपला गडी लगेच घे पंप पाठीवरून चल फवार अशी आपली पहिली क्रिया तिथं घडते. परंतु शेतकरी बंधूंनो असं नाही. अर्धे जे रोग आहे, आताच मी सांगितलं 90% हे मशागतीय पद्धतीद्वारे व स्वच्छतेद्वारे टाळल्या जातात. आणि आपल्याद्वारे कोणत्या प्रकारच्या चुका आपल्या शेतात घडतात यावरच जास्त मी आज भर देणार आहे, ना की जैविकरित्या रोग नियंत्रणावर. कारण वेळ थोडा कमी आहे, थोडं थोडं आपण फटाफट याविषयी पाहून घेऊ. तर आजची परिस्थिती काय आहे की तुम्हाला माहित आहे, मिरची, टोमॅटो, वांगे दर तिसऱ्या दिवशी फवारणी आणि कोणत्या प्रकारचे घातक म्हणजे कोऱ्याजेन सारखे, फ्लुबेंडामेंट सारखे अति घातक असे फवारणी आपल्या या फळबाजांवर चालू आहे, फळ पिकांवर चालू आहे. आणि 3 दिवसानंतर दररोज फवारणी झाल्यानंतर लगेच आपल्या बाजारात हा फळभाजीपाला आणि फळं आपल्याकडे येतात आणि तिथून आपल्या घरात येतात. आणि शेतकरी बंधूंनो, दुर्दैवाची अशी गोष्ट आहे की जे शेतकरी फळ भाजीपाला लावतात ते सुद्धा स्वतः विषमुक्त अन्न खात नाही. की म्हणजे बाबा 10 रांगी आहेत टोमॅटोच्या, वांग्याच्या, पालकाच्या आहेत, एक 10 by 10 गुंठाचं, तर 5 गुंठ्यातल्या याच्यात मी फवारणार नाही, किंवा टोमॅटोच्या 5 रांगात मी फवारणार नाही, किंवा तुरीची 2 एकरात मी फवारणी करणार नाही, मी चांगलीच डाळ खाणार. ते सुद्धा तसं करत नाही. ते सुद्धा फवारणी करून त्यातलीच डाळ आपल्या घरी आणतात आणि त्याच डाळीचं वरण आपण खातो. आणि असे घातक उर्वरित अंश असलेलं भाजीपाला आणि फळं आणि अन्नधान्य आपल्या पोटात जात आहे आणि याचे दुष्परिणाम येणाऱ्या काळात समोर आपल्याला दिसणारच आहे. असे घातक रोग होतात की जे पैसे खर्च करून सुद्धा टाळता येत नाही.
तर ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. तर शेतकरी बंधूंना विनंती आहे की घरी जरी तुम्ही भाजीपाला फळभाजी पिकवत असेल तर काही भागात तरी फवारू नका, स्वतः सुद्धा विषमुक्त अन्न खा आणि दुसऱ्यांना सुद्धा ते देण्याचा प्रयत्न करा, थोडेसे इथिक्स पाळा. बरेचदा बघतो की कॉलीफ्लावरचे गोबीचे कोऱ्याजनच्या पाण्यात डुबून म्हणजे पिवळेपणानं यासाठी डुबून लगेच दुसऱ्या दिवशी मार्केटमध्ये पाठवल्या जातो. ही कोणाची फसगत करत आहे आपण? आपलेच बांधव आहेत दुसरे आणि हे सुद्धा आपल्याच घरी येणार आहे. दुसऱ्या ज्या तुम्ही मिरच्या घेत आहेत त्या मिरच्यातूनही तुमच्या घरीच विष येत आहे, संत्र्यातूनही तुमच्याच घरी विष येत आहे. तर थोडं जर आपण इथिक्स पाळलं आणि चांगल्या प्रकारे शेती केली आणि तसंच ऑर्गॅनिक ज्या प्रोड्युसर कंपन्या तयार होत आहेत याचं अभिमानास्पद गोष्ट आहे, त्या अशा तयार झाल्या पाहिजेत. कारण ऑर्गॅनिकला भाव सुद्धा जास्त आहे, कारण काळाची ती गरज आहे. प्रत्येक जणाच्या मनात आता हे रुजलेलं आहे की उर्वरित अंश असलेलं जर आपण खाद्य खाल्लं तर निश्चितच आपण आजारी पडणार आहे. हे टाळायचं असेल तर ऑर्गॅनिक फ्रूट ऑर्गॅनिक भाजीपाला खाणं आवश्यक आहे. मग त्यासाठी 15 रुपये पाव जरी वांगी असले नाही, ऑर्गॅनिकचे 30-50 असतील तर ते घेण्यास सुद्धा लोक आज तयार आहेत. तर पिकावरील रोगाचे प्रथम कसं उपाय करणार आहे तर जमिनीचं आरोग्य जोपासना करणे आवश्यक आहे. आणि ज्या एका जमिनीच्या तुकड्यात आपण जे पिकं लावत आहे तीच ती पिकं त्याच शेतात सेम पीस ऑफ लँड मध्ये न घेता त्यामध्ये फेरबदल करणे आवश्यक आहे. आणि सर्वात कमी खर्चिक रोग टाळण्याची कोणती जर उपाययोजना असेल तर रोग प्रतिरोधक वाण याचा वापर करणे, म्हणजे पहिल्याच अवस्थेत आपण रोगाचं निर्मूलन इथं करू शकतो. आणि शेतात स्वच्छता राख, जर तणकट असेल स्वच्छता नसेल तर साहजिकच तिथं कीड रोगाचं थैमान जास्त असत. आणि शेतात हवा परिसंचरणात प्रोत्साहन देणे म्हणजे लागवडीचं अंतर बरोबर ठेवणे. आणि जे रोगकारक कीटक आहेत आपल्या शेतामध्ये येतात त्यांच्या जीवनचक्रात व्यत्यय आहे. व्यत्यय कसा आणू शकतो आपण की सरांनी सांगितलं मगा की आंतरपिकामध्ये जसं सोयाबीनमध्ये तूर आहे ज्वारी आहे असे जर आंतरपिकं घेतले तर एक क्रॉप बॅरियर होते, बाउंड्री तयार होते आणि त्यांचं फिरणं आपण थोड्या प्रमाणात टाळू शकतो, म्हणजे त्यांच्या जीवनचक्रात व्यत्यय आणू शकतो. सापळा पिके लावू शकतो, म्हणजे मुख्य पीक येण्याआधी सापळा पिकावर जर ती कीड किंवा रोग आले तर ते समूळ नष्ट करून आपण प्राथमिक अवस्थेत त्याचं निर्मूलन करू शकतो. तसंच रोगजनक जाणून घ्या की आपल्या शेतात जे रोग आलेला आहे तो कोणता आहे, तो बुरशी आहे की जीवाणू आहे की विषाणू आहे की अन्नद्रव्याची कमतरता आहे. बरेचदा काय होतं की अन्नद्रव्याची कमतरता राहते आणि पिवळे पडले झाडं मार बुरशीनाशक अशा प्रकारची आपल्याकडे चूक होते आणि आपल्याला त्याच्यापासून अपेक्षित परिणाम मिळत नाही. आणि ओवा सोप झालं आणि धने झालं म्हणजे सांबार झालं असे जर काही बाउंड्रीवर आपण पिकं लावले तर या फुलोऱ्याकडे इतर प्रिडेटर परजीवी परभक्षक किडी आकर्षित होतात आणि आपल्या किडींवर त्या घातक किडींवर हल्ला करतात. म्हणून या किडींचं संवर्धन करणे आवश्यक आहे. आणि जिथे वाटलं तिथे जे बाणास्त्र आहे ब्रह्मास्त्र आहे किंवा आंबट्टा काय अशा संरक्षक फवारण्या सुद्धा आपण करू शकतो. तर वनस्पती रोग संरक्षणाची पहिली पायरी म्हणजे निरोगी सुपीक माती, दुसरी स्थानिक आणि प्रतिरोधक वाण याची निवड करणे लागवडी करता आणि इष्टतम वेळेत लागवड करणे, म्हणजे लागवडीचा काळ हा जून जुलै असेल तर त्या काळातच ही लागवड होणे आवश्यक आहे. आणि त्या वनस्पतीमध्ये पोषण देणं आवश्यक आहे, कारण प्रत्येकाचं पोषणाची विविध व्याख्या वेगळी आहे. अलग अलग भाजीपाला आणि फळ पिकांना त्यांचं पोषण मूलद्रव्य वेगवेगळे आहे, तर त्यानुसार आपल्याला भरखतेद्वारा किंवा जीवाणू संवर्धनद्वारा पोषण देणं आवश्यक आहे. आणि इष्टतम सिंचन आवश्यक आहे, सिंचन जेवढं पाहिजे आहे तेवढंच द्यायचं आहे. परंतु आपल्याकडे काय होतं की झाडाला पाणी न देता जमिनीला पाणी देण्याची फार मोठी प्रथा आहे. आपल्याला समजत नाही की आपण झाडाला पाणी देत आहे की जमिनीला पाणी देत आहे, तर हे सुद्धा टाळणं आवश्यक आहे. तर पहिलं जी पायरी होती सांगितली मी की जमिनीची जीवड, ज्या फळबाग लागवड करत असतो तर ती त्या जागेवर 25-30 वर्ष राहणार आहे. म्हणून जिथं आपण इन्व्हेस्ट करत आहे ती इन्व्हेस्टमेंट करणारी जशी तुम्ही कंपनी पाहता एखादा म्युच्युअल फंड घेताना की याचा रेट किती आहे, एनपीओ किती आहे,
तिथं आपण इन्व्हेस्टमेंट केली तर आपल्याला किती फायदा होणार आहे, नफा तोटा होणार आहे का, तर त्यासाठी जागेची निवड महत्वाची. म्हणजे मध्यम खोल काळी, सामू 6.5 ते 7.5 आणि पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी जमीन आपल्या फळबाग व भाजीपाला लागवड्यासाठी फार महत्वाची आहे शेतकरी बंधूंनो. कारण हीच प्राथमिक इन्व्हेस्टमेंट आहे. ही जर चांगली असेल तर निश्चितच समोर सगळं काही चांगलं घडणार असतं. नंतर सौर ऊर्जा संस्कार, जे शेतकरी बंधू छोट्या जागेत भाजीपाला किंवा नर्सरी टाकत आहे तर त्या जमिनीचं निर्जंतुकीकरण करणं आवश्यक आहे. याकरता 100 मायक्रॉनची जी पांढरी किंवा काळी पॉलिथिन घ्यायची आहे आणि ज्या भागात तुम्ही ते करणार आहात त्यावर हलकस पाणी टाकायचं आहे. म्हणजे पाणी टाकल्याबरोबर ती जमीन ओली करणं आवश्यक आहे आणि ही पांढरी पॉलिथिन हातरून ती जमिनीद्वारे पूर्ण पॅक करणं आवश्यक आहे. म्हणजे त्यामध्ये आतमध्ये जी हवा आलेली आहे ती बाहेर निसटू नये. म्हणजे आतमध्ये टेम्परेचर वाढलं पाहिजे जेणेकरून आतमधले ज्या सूत्रकृमी आहे, तणांचे बी आहे, बुरशी आहेत हानिकारक, त्या त्यांचा नायनाट होईल आणि अशा जमिनीचं स्वर संस्करण केलेल्या जमिनीचा उपयोग तुम्ही रोपाटिकी थैल्या भरण्या सुद्धा करू शकता आणि नर्सरी टाकण्यासाठी करू शकता. तसंच आपल्या शेतात रोग येऊ नये म्हणून निरोगी आणि गुणवत्तापूर्ण जातीवंत रोपे कलमांचा लागवडी करता उपयोग करणं आवश्यक आहे. तुम्ही जर प्रमाणित नसलेल्या रोपवाटिकेतून आणि रोगट जर कलम किंवा रोप आणली आणि ती तुमच्या मुख्य शेतात लावली तर साहजिकच तिथला रोग आपल्या शेतात राहणार आहे आणि डेव्हलप होणार आहे, त्याचा तिथे प्रसार होणार आहे. तर हे टाळण्यासाठी सर्वात महत्वाची पायरी म्हणजे चांगल्या जातीवंत वाणांची, रोपांची आणि कलमांची आपल्या शेतामध्ये लागवड करताना उपयोग करणे गरजेचं आहे. नंतर लागवडीमध्ये थोडासा बदल करणे. आता संत्रा पद्धत किंवा लिंबूवर्गीयमध्ये अतिघनता लागवड आली, 6x3 बेडवर आपण लागवड करतो. कशासाठी? तर फायटोथोरा पिथियम बुरशीचा तिथं प्रकोप होऊ नये. भाजीपाल्यासाठी सुद्धा रेजबेडचा आपण उपयोग करतो. तसंच तणांचा आणि इतर किडींचा त्रास होऊ नये म्हणून प्लास्टिक आच्छादन यांचा सुद्धा वापर करणं गरजेचं आहे. जिथे अशा प्रकारचा वापर होतो तिथे निश्चित शेतकरी बंधू कीड आणि रोग यांचा फार फार कमी प्रकोप राहतो. अशा प्रकारचं अल्टरेशन आपल्या शेतीमध्ये करणं आवश्यक आहे. तसंच हिरवळीच्या खतांचा वापर करणे. या हिरवळीच्या खताचा जसं बोरू झालं, ढेंच्या झाला, हे जर जून महिन्यात आपली ज्या दोन रांगा आहेत फळझाडांच्या याच्यामध्ये जर टाकलं जून महिन्यात आणि 40 ते 50 दिवसाचं फ्लावरिंग यायच्या आधी जर आपण ते गाळून टाकलं तर काय होतं, हे कुजतात आणि हे कुजत असताना इथे सूक्ष्मजीवांचं कार्य वाढतं. म्हणजे उपयोगी सूक्ष्मजीवांची संख्या तिथे वाढते आणि इतर जे अन्नद्रव्य सुद्धा आहे ते आपल्या जमिनीला मिळतात. म्हणजे चांगल्या प्रकारची जमिनीत एक परिसंस्था निर्माण होते जे की आपल्या झाडास भरण पोषण करण्यास मदत करते. दुसरं, आपल्या क्षेत्रात मुख्य शेतात रोगजनकांचा प्रवेश टाळावा. बरेच शेतकरी काय करतात, मी पहिलेच सांगितलं की रोगट रोप तुमच्या शेतात आणलं म्हणजे तिकडला रोग आपल्या शेतात आला. ट्रॅक्टर आपण भाड्यानं घेतो त्या ट्रॅक्टरला पहिले धसकट लागलेले असतात, माती लागलेली असते, म्हणजे त्या क्षेत्रातली माती आपल्या शेतात रोगट रोगकारक आपल्या शेतात प्रवेश करतात आणि आपल्या इथं निपसतात आणि आपल्या इथं पुन्हा त्यांचा धुमाकूळ सुरू होतो. म्हणून कुठून काही ट्रॅक्टर येत असेल, बाहेरून येत असेल, तर ते चांगलं धुवून घेणं किंवा सोडियम हायपोक्लोराईडचा त्याच्या चाकावर किंवा त्याचे यंत्र लावलेलं आहे त्याच्यावर फवारा मारणं आवश्यक आहे. तसेच जी सल काढतो, प्रुनिंग करतो, बागळकैची वापरतो, एका झाडाची सल काढल्यानंतर किंवा रोगट फांद्या काढल्यानंतर त्या निर्जंतुक करणं आवश्यक आहे. आता या कोरोनामुळे सगळ्यांच्याच घरी सॅनिटायझर आहे, सगळ्यांच्या घरी चांगले स्प्रेचे पंप आहेत. जर कैचीवर ते फवारलं सॅनिटायझर तर ती कैची निर्जंतुक होते आणि घातक विषाणूची लस लागलेली राहते आपल्या कैचीच्या तोंडाला, ती दुसऱ्या झाडाची सल काढताना लागणार नाही, निर्जंतुक होईल. तर असं जर केलं तर काय होईल, आपल्या मुख्य शेतात रोग येणार नाही. आवाज येतो आहे का माझा? हॅलो. हो सर, हो. हा, यानंतर ओली जाज्या चुकीच्या पद्धती. फार लोकांना असं वाटते की आपला वाफा तुडुंब भरला टोंगळाभर की झालं, आता 15 दिवस पाणी द्यायचं कामच नाही.
आणि पूर्ण बुंध्यालाही पाणी लागतं. इथून जे पाणीप्रिय बुरशी असतात ते आपल्या बुंध्याला संक्रमित करतात आणि तिथून रोग निर्माण होतो, डिंक्यासारखे रोग येतात. या चित्रांमध्ये तुम्ही पाहू शकता. दुसऱ्या चित्रामध्ये एवढी सुंदर बाग आहे पण त्यांनी बाग अशी आळे तयार केलेली आहे, मधात कोणतंच असं बंधन नाही आहे, म्हणजे पाणी तिथं डायरेक्ट आपल्या खोळाला लागून राहिलेलं आहे. ही फार चुकीची पद्धत आहे. ह्या सगळ्या चित्रांमध्ये तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीनं पाणी दिले जाते. जेव्हा तुम्ही आळ्यामध्ये पाणी सोडता तर सगळ्यात पहिले पाणी जमिनीमध्ये जातं आणि कोणतेही झाड हे वापसा कंडिशन मध्ये मुळ त्याचं पाणी शोषून घेत असतात, अन्नद्रव्य. म्हणजे 2 ते 3 दिवसांपर्यंत पाणी झाडांना मिळतच नाहीये. जेव्हा तुम्ही पाणी दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तुमच्या आळ्यात उतरता तर तुमच्या बुटाला चिखल लागतो, तिसऱ्या दिवशी जाता तर तुमचा बूट फक्त नरम मऊ राहतो, तेव्हा ती वापसा कंडिशन आलेली असते, तेव्हा कुठं त्या झाडाला ते पाणी मिळालेलं असते. म्हणजे आधीचं पाणी काय गेलेलं आहे, पूर्ण वाया गेलेलं आहे आणि एका आळ्यातून दुसऱ्या आळ्यात सोडलेलं आहे तर सूत्रकृमी बुरशी चालल्या आपल्या या झाडापासून त्या झाडापर्यंत. तर हे संक्रमण टाळणं फार आवश्यक आहे. ह्या चुकीच्या मशागतीय पद्धती आहे. ह्या सेंद्रिय शेतीमध्ये जर आपण अंमलात आणल्या तर घातक रासायनिक औषधांचा वापर करणं रास्त ठरत नाही, म्हणजे ते टाळता येतात. इथे बघा, ओली व्यवस्थापनासाठी सर्वात सुंदर आणि चांगली पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन आहे. म्हणजे प्रमाणित मात्रेत तुम्ही पाणी देऊ शकता, प्रमाणित मात्रेमध्ये खत देऊ शकता, जैविक सुद्धा देऊ शकता आणि रासायनिक सुद्धा. इथे काय होतं, डायरेक्ट जिथं गरज आहे तिथंच पाणी पडत आहे. या तिन्ही चित्रामध्ये तुम्हाला दिसून येईल की झाडाच्या प्रत्येक गोलाकार बाजूने इथं पाणी मुरत आहे आणि वापसा कंडिशन मध्ये झाडांना पाणी मिळत आहे, जे की झाडाच्या वाढीसाठी खूप चांगलं ठरतं. कारण वापसा कंडिशन मध्ये झाड पाणी आणि अन्नद्रव्य शोषून घेतात. ही एक दुसरी पद्धत आहे, दुहेरी आड. ह्या तिसऱ्या पद्धतीमध्ये जो पिवळा एरो दाखवलेला आहे तर मुख्य खोळापासून तुम्हाला 3 ते 4 फूट अंतर ठेवायचं आहे, त्यानंतर पाणी द्यायचं आहे. कारण दुपारची जी सावली पडत आहे तिथं तुमचे रूट फीडर आहे, ऍक्टिव्ह झोन आहे, जिथे सक्रिय आपली पांढरी मुळं आहेत, तिथं आपल्याला पाणी द्यायचं आहे. बुंध्यास पाणी लागू द्यायचं नाही किंवा दांडाने पाणी द्यायचं. म्हणजे ज्यांच्याकडे पाण्याची कमतरता आहे त्यांनी जर दांडाने पाणी दिलं, 5 ते 6 फूट दूर असं नाली खोदून तिथून पाणी सोडलं, तर ही सुद्धा चांगली पद्धत आहे पाणी देण्यासाठी. परंतु मला जर विचारलं तर मी जास्त ठाम राहील की तुम्ही शक्यतो ठिबक सिंचनानेच पाणी द्यावे. नंतर बरेच शेतकरी ही मातीची हुंडी लावतात. मलाही समजत नाही की काय गरज आहे लावायची ही मातीची हुंडी. तर त्यांचं उत्तर राहतं की झाड कोलमडून पडत नाही. फार चुकीची संकल्पना आहे शेतकरी बंधूंनो. जर तुम्ही 1.5 बाय 1.5 चा चांगला खड्डा केलेला असेल आणि तेव्हा जर झाड चांगल्या प्रकारे लावलं असेल तर तुमचं झाड कोलमडून पडत नाही. जेवढी फळझाडं आहेत, लिंबूवर्गीय म्हणा की पेरू ही दुसरं म्हणा, यांना 4च अँकर रूट राहतात, म्हणजे जे जमीन धरून राहतात आणि बाकीचे फीडर रूट राहतात की जे अन्नद्रव्य शोषून घेत असतात. अशा प्रकारची जर पहिल्या चित्रामध्ये दाखवलेली जर हुंडी लावली, मातीचा भर लावला, तर कॅपलरी मुव्हमेंटनं ते पाणी तिथंच ओल राहतो आणि तिथं अननेसेसरी तिथं जास्तीच्या मुळा फुटतात आणि तिथं जर बुरशीचा प्रकोप झाला तर वरची साल सळते, जी की जे मुळं आपलं खालचं अन्नद्रव्य शोषून घेत असतात ते वरती पाठवत असतात सालीद्वारे. आणि सालीद्वारे जे फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषणाद्वारे जे अन्न निर्मिती होते ती सुद्धा त्या सॉलीद्वारे खाली येत असते. तीच जर अफेक्ट झाली तर साहजिकच झाड खंगून मरतं. आणि जेव्हा आपण ही हुंडी काढतो तर अशा प्रकारचे तिथं विकृती दिसून येते, झाडाची साल सडलेली दिसून येते. म्हणून कृपया अशी जर कोणी हुंडी झाडा आपल्या बगीचात लावली असेल तर ती कृपया काढून टाकावी. नंतर अशा प्रकारचे वारंवार खोल उकरी खोल आळे करत राहतात. मी पहिलेच सांगितलं की ऍक्टिव्ह रूट झोन, फीडर रूट झोन हा 15 ते 20 सेंटीमीटर मध्ये राहतो लिंबूवर्गीय फळबागमध्ये. काहीच गरज नाही वारंवार अशी खोल नांगरणी म्हणजे कुखरी करणे आणि गोल आळे तयार करून तिथं पाणी देणे. याने काय होणार आहे, रोगाचं प्रमाण आपल्या बगीचात वाढणार आहे. तसंच रोटावेटरचा खूप वापर होतो. चालला आपला त्या झाडाच्या शेजारून, तिथं आपले काय झालेलं आहे की या रोटावेटरमुळे जेवढेही जारवा आहे तो तुटलेला आहे आणि तुटलेल्या जारवातून झाड अशक्त होणार आहे.
आणि तुटलेल्या जारवातून रायझोप्टोनियम, फ्युजेरियम, पिथियम, फायटोप्थोरा, स्क्लेरोशियम अशा घातक रोगकारक बुरशी आपल्या मुळांमध्ये प्रवेश करतात आणि झाड खंगून मारतात. म्हणून हे टाळण्यासाठी किमान झाडाच्या बुंद्याच्या 5 ते 6 फूट दूरूनच आपल्याला इंटरकल्चर ऑपरेशन करायचे आहे, ना की झाडाच्या बुंद्यापासून. फार सोप्या आणि साध्या पद्धती आहे शेतकरी बंधूंनो, की आपण आपल्या शेतात कशा मशागतीय चुका करतो आणि कसं रोगांना आमंत्रण देतो हे टाळणं फार गरजेचं आहे. हे जर टाळलं तर पुढचा जो तुमचा संरक्षणावर खर्च होत आहे तो निश्चितच कमी होणार आहे. तसंच सल काढतो पण धुऱ्यावर टाकून दिली काहीच फायदा नाही, कारण जर त्या सलमध्ये रोगकारक बुरशी सुप्त अवस्थेत असेल आणि पावसाळा पडल्यानंतर ते हवेत मिसळतात, पुन्हा आपल्या बगीच्यात रोग डांगा वाढणे, फळगळ होणे. म्हणून जे काही छाटणी केलेली आहे त्या फांद्या शेतात न ठेवता त्या जाळून नष्ट करणे फार आवश्यक आहे. तर आता आपल्या मुख्य मुद्द्याकडे वळू की आपल्या सेंद्रिय शेतीमध्ये कोणत्या जैविक नियंत्रकांचा वापर केला जातो. तर यात मुख्य म्हणजे आहे ट्रायकोडर्माचा. ट्रायकोडर्मा या बुरशीच्या खूप साऱ्या प्रजाती आहेत, परंतु आपल्याला ज्या लक्षात आहेत त्या शेतकरी बंधूंना ट्रायकोडर्मा एस्पर्लम, ट्रायकोडर्मा विल्डी, ट्रायकोडर्मा हर्जानम, आता ट्रायकोडर्मा विल्डीचं नाव ट्रायकोडर्मा एस्पर्लम झालेलं आहे, ट्रायकोडर्मा हेमॅटम सुद्धा आहे. तसंच दुसरा जो जीवाणू आहे तो आहे सुडोमोनास फ्लोरिसन्स, तिसरा जीवाणू आहे बॅसिलस सबटिलस. तर या तिघांचा खूप मोठ्या प्रमाणात जमिनीतील ज्या हानिकारक बुरशी आणि जीवाणूमुळे रोग होतात त्यांचा नायनाट करण्याकरता फार उपयोग होतात. परंतु इथं सांगू इच्छितो की आपल्याकडे चमत्काराला नमस्कार करतात, परंतु या तिघांचं तसं नाही. हे खूप हळूहळू पद्धतीनं आपलं कार्य करतात जे की तुम्हाला लगेच डोळ्यांनी दिसत नाही. मग बरेच शेतकरी म्हणतात की हे टाकूनही आम्हाला काहीच फायदा नाही झाला. फायदा नाही झाला त्याचे 2-3 कारण असू शकतात, की तुम्ही जे जिथून आणलं ती मातीच असू शकते, क्वालिटी कंट्रोल नावाची काही भागात गोष्टच नाही आपल्याकडे. दुसरं की कोणत्या कंडिशनमध्ये टाकलं हे महत्वाचं आहे, आणि ते पॅकेट तुम्ही कुठं ठेवलं होतं हे महत्वाचं आहे. म्हणजे मे महिन्यात तुम्ही पॅकेट आणलं, टिनाच्या खोलीत जर ते जैविक रसायन घटक ठेवले तर निश्चितच त्याची पॉप्युलेशन कमी होणार आहे. त्यामुळे चांगल्या शक्यतो ज्या गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट आहेत तिथूनच हे जैविक नियंत्रणे विकत घ्यावी. तर हे काम कसं करते, पहिलं की आपण जमिनीत टाकल्यानंतर ते त्या इतर बुरशींसोबत स्पर्धा करतात, चढावड त्यांच्यामध्ये लागते की कोण पहिले जास्त अन्न खाते, आणि त्या अन्न खाणे साहजिकच ट्रायकोडर्मा ह्या बुरशी फार पुढे असतात. त्या मिल्खा सिंगच आहे, म्हणजे त्या इतर रोग कारणापेक्षा यांची जलद गतीने वाढ येते आणि ते इतरांना वाढू देत नाही. वाढ होत असताना ती प्रतिजैविके सुद्धा सोडतात, विरोडीन, ग्लियाटॉक्सिन, ज्यांनी त्या बुरशी मरतात. तसंच प्रेरित प्रणालीगत प्रतिकार क्षमता वाढतात, म्हणजे आमच्या शास्त्रीय भाषेत आम्ही इंडू सिस्टमिक रेजिस्टन्स म्हणतो. म्हणजे सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज किंवा विरोडीन हे ग्लायटॅक्सिन झाडामध्ये अंतर्भूत होतात आणि झाडाच्या पूर्ण कालावधीपर्यंत संरक्षण करतात. तेच जर रासायनिक बुरशीनाशक लावलं तर त्याची एक एक्सपायरी राहते 15 दिवस, त्याच्यानंतर ते करत नाही. आणि चौथी परजीवीपणा म्हणजे हायपर पॅरासिटिझम किंवा मायको पॅरासिटिझम आम्ही म्हणतो, की ती बुरशी दुसऱ्या बुरशीला खाऊन टाकते, तिला विळखा घेऊन खाऊन टाकते. आता या चित्रामध्ये बघा की ही जी निळी ग्रोथ दिसत आहे ती ट्रायकोडर्मा बुरशीची, आणि पांढरी ही स्क्लेरोशियम बुरशीची आहे. आणि या बुरशीनी त्या क्लेरोशियम बुरशीला पूर्णपणे कंट्रोल केलेला आहे आणि एक मधात दरी निर्माण झालेली आहे, त्याला अँटीबॉयसिस फिनॉमिना म्हणतात. खालच्या प्लेटमध्ये लाल कलरमध्ये सुडोमोनास फ्लोरिसन्स आहे, जी पिंगट पिवळी दिसत आहे, आणि स्क्लेरोशियम आहे, तिने पूर्ण त्याला दाबून ठरलेलं आहे, तिथंच रिस्ट्रिक्टेड केलेलं आहे. तर अशा प्रकारची प्रणाली आपल्या जमिनीमध्ये होते. या चित्रामधून आणखी तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजून जाईल की अ चित्रामध्ये वाढत्या मूळ प्रणालीमध्ये जैविक बुरशी जीवाणू नाशक तिथं वसाहत करतो, म्हणजे आपलं कॉलनायझेशन करतो, तिथं फार मोठ्या प्रमाणात आपली वस्ती निर्माण करतो, म्हणजे संख्या वाढवतो, आणि जे काही आपले प्रतिजीवक सोडतो त्याने मुळाजवळच्या हानिकारक रोगकारक बुरशींचा नायनाट होतो. तसंच ब चित्रामध्ये
जी प्रतिजीवक ते जैविक नियंत्रक सोडतात ती मुळांद्वारे शोषल्या जातात आणि झाडामध्ये एक रेजिस्टन्स प्रतिकार क्षमता निर्माण होते. तसंच क चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे की पोषण आणि जागेसाठी स्पर्धा करतात, हे तिथं दुसऱ्यांना वाळू देत नाही, आपलीच वसाहत तिथं करतात, ढकलून देतात एका अर्थानं समजून घ्या, आणि आपलं तिथं राज्य निर्माण करतात. अशा प्रकारे चांगल्या कार्यप्रणालीद्वारे आपलं फळ भाजीपाल्याचं तिथं संरक्षण होतं या जैविक नियंत्रकाद्वारे. इथं पहा डिंक्या, पायफूस, मूळकूस, पपई मधला कॉलर रॉट किंवा शिडलिंग मधला कॉलर रॉट अशा प्रकारची रोग आपल्या शेतामध्ये दिसून येतात. या आधीच सांगितलेलं आहे मी की कशा चुकीच्या मशागती पद्धतीने आपल्या शेतात हे रोग येतात, रोगट कलम आणून सुद्धा हे आपल्या इथं रोग निर्माण होतात. तर हे रोग कसे अटकाव करावा, यांचा बंदोबस्त कसा करावा, तर या चित्रामध्ये मी दाखवलेलं आहे. सुडोमोनास आणि ट्रायकोडर्मा आपल्याला घ्यायचं आहे, ते शेणखतात टाकायचं आहे, शेणखतात मिसळायचं आहे. म्हणजे 1 किलो शेणखत असेल तर 100 ग्रॅम ट्रायकोडर्मा आणि 100 ग्रॅम सुडोमोनास मिक्स करायचं आहे. आणि आपल्या बगीच्यामध्ये चित्रात दर्शवल्याप्रमाणे या ज्या महिला टाकत आहेत अशा प्रकारे टाकायचं आहे. जर ड्रिपची व्यवस्था असेल तर ड्रिपचे जिथं ड्रिपर आहे तिथं जर टाकलं तर आणखी चांगले रिझल्ट तुम्हाला मिळतात. अशा प्रकारे आपल्याला या भुकटी स्वरूपात मिळणाऱ्या जैविक नियंत्रकाचा वापर आपण असा करू शकतो. पुढच्या चित्रामध्ये काय होतं की बरेच शेतकरी लिक्विडमध्ये हे जैविक नियंत्रक आणतात, तर ह्या लिक्विडचा वापर कसा करावा, तर जर लिक्विड ट्रायकोडर्मा तुम्ही आणला असेल तर 5 लिटर 100 लिटर पाण्यात टाकायचा आणि व्हेंचुरीद्वारे आपल्या बागेमध्ये द्यायचा आहे. तुम्ही 2 वेळा देऊ शकता, 1 नक्षत्राचा पाऊस आल्यानंतर आणि 1 दुसरं जानेवारी महिन्यात. जर भुकटीच आहे तर ती 30 टोपले शेणखतात 2.5 किलो ट्रायकोडर्मा मिक्स करायचा आहे आणि 4 दिवस तसाच ठेवून मग 1 एकरात हे असं मिश्रण आपल्याला पसरून टाकायचं आहे. जर लिक्विड कल्चरमध्येच आहे तर 5 लिटर 100 लिटर पाण्यात मिसळून आपण अशा तिसऱ्या चित्रात दर्शवल्याप्रमाणे झाडाच्या बुंद्याजवळ सुद्धा मजुरा करून आपण असं 1 लिटर पाणी किंवा 500 मिली पाणी आपण झाडाच्या परिकातामध्ये टाकू शकतो. तसंच आता फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पेरू पिकावर मर आणि मुळावरील गाठी व्यवस्थापन हा रोग दिसत आहे. हा कसा आला मित्रांनो सांगू इच्छितो की आपल्याकडे सगळ्यात पहिले सरदार ही व्हेरायटी आपण लावताय त्याच्यामध्ये हा रोग नव्हता. आपल्याकडे तायवान पेरू, थायलंड पेरू आपण आणला, परंतु याच्यासोबत सरांनी सांगितलं तिथं उदाहरण दिलं त्या ब्लॅक थ्रिपचं, तसंच याच्यासोबत झालेलं आहे. तर याच्यासोबत आपण ती घातक सूत्रकृमी सुद्धा आणलेली आहे. आपल्याकडे ती होती पण एवढ्या प्रमाणात नव्हती. ज्या ज्या शेतकरी बंधूंनी हे पेरू लावलेले आहेत त्यांनी खरोखर आपल्या बागेमध्ये जाऊन निरीक्षण करा की मुळांवर अशा गाठी आहेत का, कारण ह्या गाठी निर्माण झाल्यानंतरच झाड खंगत जातं आणि मरतं आणि दुसरी जी घातक बुरशी आहे फिजेरियम टिशडी हिचा त्याच्यात काय होतो प्रवेश होतो आणि झाड मरतं. तर शक्यतो जर बाहेरच्या राज्यातील किंवा बाहेरील देशातून आपण जेव्हा कलम लागवड करताना आणतो तर ती त्याची माती जी असलेली असते ती काढून घ्यावी एका ड्रामात आणि नंतर ट्रायकोडर्मा किंवा पॅसिलोमायसिसच्या द्रावणात बुडून घ्यावी किंवा ज्या गड्ड्यात आपण ती लावणार आहे त्या गड्ड्यामध्ये 50 ग्रॅम ट्रायकोडर्मा किंवा पॅसिलोमायसिस लिलेसिनस हे टाकणं आवश्यक आहे. तसंच झाड असेल उभं तर प्रति झाड 100 ग्रॅम 1 किलो शेणखत मिसळून झाडाच्या प्रतिघात परिघातात ते देणं आवश्यक आहे. आंतर पीक मध्ये झेंडू लावू शकता, याने सुद्धा त्या सूत्रकृमीची संख्या कमी होते. तसंच 2 किलोग्रॅम जिप्सम आणि नेमके 6 किलो प्रति झाड जमिनीतून दिलं तर हा रोग फार कमी प्रमाणात होतो. एकदा का हा आपल्या बागेत एस्टॅब्लिश झाला तर आपण याला पूर्णपणे नायनाट करू शकत नाही रासायनिक औषधांद्वारे. यासाठी जैविक नियंत्रकच वापरणं फार गरजेचं आहे. तर अशा प्रकारे थोडक्यात आणि शॉर्टकट मध्ये मी सांगण्याचा आपल्याला प्रयत्न केलेला आहे. याच्या व्यतिरिक्त जर आपले काही प्रश्न असतील तर मी त्या प्रश्नांचं स्वागत करतो मित्रांनो. धन्यवाद. धन्यवाद इंगळे सर, अतिशय सुंदर माहिती आपण आज आमच्या शेतकऱ्यांबरोबर इथे संवाद साधला. अगदी लहान लहान गोष्टींची कशी काळजी घ्यावी हे अगदी आपण सोप्या भाषेमध्ये समजून सांगितलं.
त्याबद्दल मी आपले अत्यंत आभारी आहे. यानंतर आपले प्रतिनिधी शेतकरी जे आहेत, प्रगतशील शेतकरी, श्री पांडुरंग निवृत्तीराव डोंगरे, राहणार कर्जत, तालुका अंबड, जिल्हा जालना, ह्यांना मी इथे निमंत्रित करते की आज त्यांनी आपल्या शेतकरी बांधवांबरोबर त्यांचे अनुभव इथे सांगतात. हा डोंगरेजी. धन्यवाद मॅडम. आवाज येतोय? बिलकुल, बोला बोला. आवाज येतोय का? हो हो हो, बोला. हॅलो. हा बोला, तुम्ही आवाज येतोय. आज परभणी कृषी विद्यापीठाचे खूप आभार, कारण की मी आज सप्ताह दिवसाचा डोंगरे साहेब, आपण थोडस नेटवर्क मध्ये या कृपया. त्यांचा माइक डिस्कनेक्ट झालाय, ते परत कनेक्ट करता येते. तोपर्यंत आपण काही प्रश्न आहेत ते घेऊ शकतो. हा जरूर. डोंगरे सर, आवाज येतोय? तुमचा आवाज येतोय मला. हॅलो डोंगरे साहेब, आपला आवाज येत नाही. कृपया कृपया आपण थोडस नेटवर्क मध्ये या. मंगेश. हा मॅम, एक प्रश्न घेऊ आपण. हा प्रश्न घेऊ. दर्शन केंगे सर आहेत, एक मिनिट त्यांना अनवट करतो. दर्शन जी. हा सर नमस्ते. माझा मंगेश सरांना एक प्रश्न विचारायचा आहे की आमच्याकडे टीडीएस म्हणजे पाण्यामध्ये क्षाराचं प्रमाण अति आहे, जवळजवळ कदाचित 1400 ते 1500 दरम्यान, तर अशा ड्रीपची सोय करता येत नाही, तर त्याला उपाय काय आहे? इंगळे सर, योगेश इंगळे सर. ज्या फळबागांना, तर मी पहिले सांगितलं होतं की जमिनीचं नत्र स्फुरत पालास काढणे आवश्यक आहे, त्यासोबतच पाणी तपासणी सुद्धा आवश्यक आहे. आता तुमचं म्हणणं आहे की टीडीएस पाण्यामध्ये खूप जास्त आहे, तुम्ही ते ड्रीपद्वारे जरी दिलं तरी खालचे क्षार वरती येणार आहेत, आणि फ्लड इरिगेशन किंवा आळ्यानी दिलं तरी ते वरती येणारच आहे. त्याच्यामुळे जमीन तुमची दिवसेंदिवस पूर्ण सामू वाढून नापिकीकडे जाणार आहे, तर एकदम घाबरूनही जायचं काम नाही आहे. तर आपल्या सेंद्रिय शेतीमध्ये जिप्समचा उपयोग करता येतो. जिप्सम जर आपण 3 वर्षातून 5 टन प्रति हेक्टर आपल्या शेतामध्ये टाकलं तर आपला सामू मेंटेन राहतो आणि त्याची वाटचाल 7.5 पलीकडे होऊ देत नाही. त्याचबरोबर सेंद्रिय हिरवळीचं खत सुद्धा देणं आवश्यक आहे. आणि तुम्हाला सांगेल की तुमचा जो मूळ प्रश्न होता, तुम्ही जर दांडानं पाणी जर दिलं म्हणजे मुख्य झाडाच्या फांदीपासून खोळापासून 6 फूट दूर रिझर्वनी नाली काढून या पद्धतीने पाणी द्या, ना की आळ्यामध्ये. आळ्यामध्ये पाणी सर्वाधिक जास्त बसतं आणि त्याच्यामुळे आणखी क्षारता वाढण्याची फार म्हणजे वाढू शकतो. तर तुम्ही ती पद्धत आळ्याने द्यायची टाळावी आणि दांडाने पाणी द्यायची ही पद्धत वापरावी. आणि काही प्रकारचे असे काही फिल्टर आहेत की ज्या फिल्टरद्वारे आपण हा टीडीएस थोडा कमी करू शकतो, म्हणजे तुम्हाला एक अतिरिक्त टँक तिथे वेंचुरीसाठी लावणं फार आवश्यक आहे. धन्यवाद इंगळे सर. मंगेशजी. हा एक दुसरा प्रश्न घेतो. नारायण तांबे आहेत आपल्यासोबत. नारायणजी. नमस्कार सर. माझी एक छोटी शंका अशी होती की पिकांची फेरपालट पेरिनियल क्रॉप्स मध्ये शक्य आहे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मध्ये पिकांची फेरपालट कशी करावी,
आणि दुसरं असं होतं की जे डिंक्याचं सरांनी सांगितलं पाणी देण्याची चुकीची मेथड, त्या व्यतिरिक्त अन्य डिंक्या कंट्रोल करण्यासाठी काय करता येईल? आता तुम्ही एक प्रश्न छान विचारला की पेरेनियल म्हणजे ज्या उभ्या फळबागामध्ये आहे त्यात आंतरपीक घेता येत नाही, परंतु आपल्याकडे काय होत आहे की बरेचदा मी जातो की लिंबूवर्गीय फळ पिकांमध्ये कापूस, तूर, कुठं तर ज्वारी सुद्धा घेतलेली आहे. असे पिकं आम्ही, आमची शिफारस आहे चार तिन्ही विद्यापीठाची की अशी मोठी पिके आणि अधिक कालावधीवाली आणि उंच वाढणारी पिकं आणि ज्याच्यामध्ये इंटरकल्टिवेशन जास्त राहतं ती पिकं आपल्या शेत बांधामध्ये घेणे टाळावे. हा एक पहिला तुमचं उत्तर आहे. आणि दुसरं पिकांची फेरपालट बद्दल बोलतोय सर. हो तेच येतोय मी की तुमच्या शेतामध्ये फेरपालट करताना म्हणजे रोग आपल्या बागेमध्ये येऊ न द्यासाठी आपण जर लहान जर पिकं घेतली आणि कमी कालावधीची घेतली 5 ते 6 वर्षापर्यंत तर तुमची जमिनीचं आरोग्य अबाधित राहतं. एकदा का फळ पीक मोठे झाली तर त्याच्यावर आपण आंतरपीक घेऊ शकत नाही. तो प्रश्न माझा जो दाखवला होता तो भाजीपाल्यासाठी होता. आणि दुसरा जो प्रश्न होता तुमचा डिंक्या रोग व्यवस्थापनासाठी, तर त्याविषयी मी सांगू इच्छितो की सर्वात प्रथम तुम्ही ठिबक सिंचनाचा वापर करावा आणि जिथून ज्या फांदीतून तो डिंक स्रवत आहे ते पटाशीने धुऊन आपल्याकडे जे सॅनिटायझर आहे किंवा पोटॅशियम परमँगनेट हे द्रव्य प्रयोगशाळेचं साहित्य जिथं मिळते तिथून घेणं आहे. 100 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यामध्ये टाकून त्या द्रावणाने तो धुवून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर 2 दिवसांना आपल्याला तिथं बोर्डो पेस्ट लावायची आहे. रिस्ट्रिक्टेड यूज मध्ये आपल्याला जेव्हा कॉपर सल्फेट आणि चुना एकत्र करतो तो सेंद्रिय पद्धतीमध्ये अलाउड आहे. आणि नंतर जून महिन्यात आणि नंतर जानेवारी महिन्यात ट्रायकोडर्मा आणि सुडोमोनास 100 ग्रॅम प्रति 1 किलो शेणखतास मिसळून आपल्याला झाडाच्या परिघातामध्ये देणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही ड्रिप मधून देत असाल तर ड्रिप मधून देणं सुद्धा जमतं. परंतु पुन्हा आणखी चूक काय होते शेतकऱ्यांची की पहिल्या आधी रासायनिक खतं काही शेतकरी देतात ड्रिपद्वारे आणि लगेच त्याच्यामध्ये काय करतात की जैविक बुरशी नियंत्रके पाण्यातून सोडतात. परंतु ड्रिपच्या नळीमध्ये पहिले जर ते पाणी थोड्या प्रमाणात उपस्थित असेल तर त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ही जैविक बुरशी आली तर ती मरून जाते. म्हणून जैविक नियंत्रके पाण्याद्वारे देताना, व्हेंचुरीद्वारे देताना, ड्रिप मधून देताना 1/2 घंटा पहिले फक्त पाणी सोडायचं आणि एंडकॅप ढिल्या सोडायच्या. म्हणजे जे काही रासायनिक औषध त्याच्यात असतील आपल्या ड्रिप चॅनलमध्ये ते तिथून नाहीसे होणं आवश्यक आहे. नंतर एंडकॅप बंद करून आपण हे जैविक नियंत्रके वापरू शकतो. आणि प्रभावी आणि चांगल्या संस्थेतूनच आपण ट्रायकोडर्मा सुडोमोनास विकत घ्यावा, तरच आपल्याला या डिंक्यापासून उपाययोजना करता येईल, तरच आपल्याला त्यापासून रिझल्ट मिळतील. अन्यथा आपल्याला त्यापासून रिझल्ट मिळणार नाही. आणि शेतीमध्ये बुंध्यापासून कमीत कमी 5 ते 6 फूट आपण इंटरकल्टिवेशन करायचं आहे, ना की आपल्या बुंध्याजवळ. म्हणजे वारंवार जर जमीन अशी उखळल्या गेली तर निश्चितच मुळांना जखमा होऊन तिथून सुद्धा या बुरशीची लागण होते आणि रोग फोफावतो. धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष. इसमें एक चीज और है डॉक्टर साहब. जी सर. जो फेर पलट की बात कर रहे हैं बगीचे में, तो उनको यह है कि जैसे अभी तक जो सिस्टम है उसमें एक ही टाइप का क्रॉप लगाते हैं, जैसे संतरा है तो संतरा ही संतरा लगाते हैं, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि दूसरी क्रॉप भी साथ में कुछ अल्टरनेट में लगा सकते हैं, दूसरे फ्रूट क्रॉप, सो दैट डाइवर्सिटी विल बी देयर. एंड अगर एक आपका रोग है एक प्लांट में जो दूसरे में जल्दी फैलेगा, तो अगर वो दूसरी वैरायटी होगी या दूसरी ही फूड क्रॉप होगी तो वो फिर फर्दर फैलेगा नहीं. तो इट कैन बी डन. फेर पलट का मतलब ये नहीं है कि पूरी फसल ही दूसरी लगानी है. फेर पलट का मतलब ये है कि उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करना है थोड़ा. तो इट कैन बी डन कि अगर आप संतरा लगा रहे हैं तो उसमें बीच में जाम लगा दें, फिर उसके बाद संतरा लगाएं, या बीच में कुछ आंवला लगा दें, फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं. और खास तौर से ऐसे प्लांट्स लगाएं जो आपस में न्यूट्रिएंट्स के लिए और सब चीज के लिए कम्पीट ना करते हो, तो इट विल बी मच बेटर. हाँ पांडे सर, एक
एकदम बरोबर सर। दूसरा ऐसा है ना कि हम कुछ ग्रीन मैन्यूअर क्रॉप के लिए भी उनको थोड़ा सा इनकरेज कर सकते हैं। नहीं, ग्रीन मैन्यूअरिंग इज समथिंग डिफरेंट, हिज क्वेश्चन वाज डिफरेंट। एक्चुअली ग्रीन मैन्यूअरिंग तो यहाँ पर जो क्रॉप हो रही है वहां पर आप उसके बजाय रोटेशन ही वाज आस्किंग, तो दैट इज बेटर। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बीच में कपास लेते हैं या दूसरे लेते हैं, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। बट हिज क्वेश्चन वाज दैट कि कैसे फिर पलट कर सकते हैं पीक का जब पेरिनियल उसमें है, तो उसमें फिर पलट ऐसे ही हो सकता है कि आप अल्टरनेटिवली मतलब बीच में कोई दूसरी लगाएं, उससे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा और उससे क्या होगा कि रोग और इवन पेस्ट का भी जो स्प्रेड है एकदम नहीं होगा आपके फील्ड, है ना। और ग्रीन मैन्यूरिंग और बाकी जो इंटरक्रॉपिंग वगैरह है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। मंगेश जी, हाँ मंगेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन घेऊयात आणि मग मॅडम कडे माइक देऊयात। एक शेवटचा प्रश्न सर, एक रुचिका मॅम आहेत, त्यांच्याकडून घेऊ। ओके ओके, हॅलो। हा बोला। हॅलो सर, सर आय एम ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल, आस्क योर क्वेश्चन। Your sound is not coming. Yes, she is not in network. Hello. Hello. तुम्ही network मध्ये नाहीये मॅडम, network मध्ये नाहीये। सर आता आवाज येत आहे का माझा? हा आता येत आहे। सर मला वाचस्पती सरांना एक क्वेश्चन विचारायचा आहे। हॅलो। हा बोलिए बोलिए मॅडम। बोला बोला। सर इन नागपूर एरिया सम फार्मर्स आर यूजिंग डिकम्पोजर ओनली इन देअर फार्म लँड, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर देअर लँड ऑर नॉट? इफ नॉट सो प्लीज गाइड मी। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रादर इट इज ट्राइकोडर्मा और इवन एजिटोबैक्टर पीएसबी ऑल आर डिकम्पोजर। बट पीपुल मेक इट, इसको थोड़ा सा लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो आपका सेप्रोफिटिक नेचर का है, मींस इट इज डिकम्पोजिंग ऑल द ऑर्गेनिक मैटर एक्सक्लूडिंग द लिग्निन, ठीक है, तो दैट इज डिकम्पोजर। ओ आप ट्राइकोडर्मा इज अ वेरी गुड डिकम्पोजर, सो मेरे को नहीं लगता कि वो आपका जो डेफिनेशन है वो करेक्ट है। दूसरा, आप ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर रहे हैं या आप बायोमिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डिकम्पोजर। सो वट एवर ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, इट्स डिकम्पोजर। सेकेंडली, अगर इसमें जो अभी मार्केट में आ रहे हैं इसका कुछ पता ही नहीं है, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है क्या है, इसमें कई बार लोगों को नुकसान भी हुआ है। और थर्डली, जो ड्रिप के साथ देने का वो सब सिस्टम है, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट सिस्टम, बिकॉज इट दीज आर सेप्रोब्स, दीज नीड सम फूड एंड देयर फूड इज ऑर्गेनिक मैटर, सो बेटर टू यूज विद कंपोस्ट, इट विल डू वंडरफुल थिंग। Okay, sir. Sir, my question is about waste decomposer. मैंने आपको explain किया ना, what is waste decomposer? Now I am asking question to you, what is waste decomposer? Hello. मुझे लगता है मैं आपको समझा नहीं पाया, what is waste decomposer? आप मुझे बताइए। मैंने बताया कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट पे थ्राइव करता है, उसको डिकम्पोज करके उस पे बढ़ता है, दैट इज वेस्ट डिकम्पोजर। ओके सर। और अभी जो मार्केट में वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से 99% प्रोडक्ट्स आर फेक, फेक मींस नॉट प्रूवन, ओके, एंड देयर क्लेम्स आर नॉट रेशनल आल्सो। ओके सर। डोंट बिकम प्रे ऑन दीज काइंड ऑफ गिमिक्स, that is nothing. If you want to use decomposer, use trichoderma, that is the okay. best decomposer. Okay sir. So sorry, your voice is not audible, so I can't hear your voice properly in starting. Now I'm clear sir, thank you. Okay. धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। थैंक यू मंगेश जी। एक लास्ट
हेलो मैडम. हाँ सर. एक लास्ट प्रश्न नामदेव राठोड म्हणून आहेत, मग तेवढं घेऊयात आणि कन्क्लूड, मग तुम्ही पुढे चालू ठेवा. नामदेव राठोड. ठीक आहे सर. हा ऑडिबल असतील तर घेऊयात, नसेल तर पुढे जाऊयात. मंगेश जी. हा बोला. नामदेव राठोड. हेलो. हा बोला सर. हा आवाज येतोय तुमचा, बोला. नमस्कार सर, मी एनडी राठोड बोलतो, एमएससी अग्री सॉइल सायन्स. आपल्या या 30 दिवसीय प्रशिक्षणामध्ये अतिशय चांगला सुंदर कार्यक्रम चालू आहे सर. आज वेळ कमी आपल्याकडे, प्रश्न विचारा थेट. हा वाचस्पती पांडे साहेबांना प्रश्न आहे सर. हाऊ कॅन कंट्रोल राठोड. हॅलो. हा बोले. हा पांडे सर जी, हाऊ कॅन कंट्रोल निमॅटोड्स इन बायोलॉजिकल मेथड्स. There are two things. Number one is best method available with you is amendment with neem cakes. Yes, sir. Anna Sita Ramaiya and R.S. Singh, they did a splendid work with neem cakes to control biological, for to control these nematodes in soil. Number two is some strains of Trichoderma also reporting the nematophagous strains. Yes, sir. Yes, yes. And some nematophagous Dictylera and Dictyleria. These are nematophagous fungi commercially available as nematophagous fungus. Those okay. are trapping the nematodes and getting it. And thirdly, practically, जो आपको करना है nematode के लिए, अगर आप ये गेंदे का फूल लगा देते हैं, गेंदा plant alternate room है. That also repels the nematodes. Okay. इसके अलावा परफो निमेट करके एक मेडिसिन आता है, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड. राठौर साहब सुन रहे हैं? ओके सर. ओके ओके सुन रहे हैं. परफो निमेट करके एक आता है, दैट इज सर्टिफाइड, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड इंपोर्ट, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर कंट्रोलिंग द सॉइल बोर्न निमेटोड्स. ठीक है. धन्यवाद डॉक्टर वाचस्पती पांडे सर. यानंतर मी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम घोळवे सर, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ वनस्पती रोगशास्त्र, अखिल भारतीय समन्वयित ज्वार संशोधन केंद्र वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी यांना इथे अध्यक्षीय समारोह करण्यासाठी आमंत्रित करते. डॉक्टर घोळवे सर प्लीज. धन्यवाद डॉक्टर मनीष पाटील मॅडम. माझा आवाज येतोय? हॅलो. हो सर. ओके. हा आजच्या या 22व्या दिवशी आपण राज्यस्तरीय 30 दिवशी प्रशिक्षण घेतलेलं आहे जैविक शेतीबद्दल आणि जैविक रोग नियंत्रणाबद्दल. त्याबद्दल मी सुरुवातीलाच डॉक्टर आनंद गोरे हे ज्या मुख्य अन्वेषक आहेत जैविक शेती केंद्राचे, त्यांचं अभिनंदन करतो की अजून सुद्धा इतका वेळ झाला, पण 2 तासापासून आपण हा कार्यक्रम ऐकत आहात, तरी 200-250 लोक अजून सुद्धा हा कार्यक्रम ऐकत आहेत. त्याबद्दल खरंच ह्या टीमचे मी मनापासून धन्यवाद करतो आणि मला जी संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार. आजचा जो आपला विषय होता जैविक रोग व्यवस्थापन, त्याबद्दल जे आपण डॉक्टर वाचस्पती पांडे सरांचं जे मार्गदर्शन ऐकलं, त्या मार्गदर्शनामध्ये त्यांनी व्यवस्थितपणे सर्व मुद्दे जे काही आहेत की सुरुवातीपासून जे काही लक्षणे आहेत जैविक रोगाची लक्षणे नियंत्रणाचे जे काही व्यवस्थापन आहे त्याबद्दल सविस्तरपणे त्यांनी त्यांचं मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना केलेलं आहे. जे काही हिंदीमध्ये असेल काही त्यांनी इंग्लिशमध्ये मांडलं, त्यांना काही जे असेल त्यांना काही अडचणी असतात त्यांनी ते पुन्हा त्यांचे प्रश्न जे काय आहेत ते आपल्या विद्यापीठ स्तरीय सत्रांना विचारून त्याचं निरसन करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. आणि डॉक्टर वचस्पती पांडे सर हे की विभागीय जैविक शेती केंद्राचे नागपूर येथील प्रमुख आहेत, त्यांना मी सुद्धा धन्यवाद देतो की त्यांनी प्रत्येक मुद्दा सविस्तरपणे मांडला. आणि जे काही पांडे साहब जो भी आपने जो बताया है कि आपके मार्गदर्शन में, वो निश्चित ही हमारे जो क्षेत्रीय महाराष्ट्र क्षेत्रीय है उनको निश्चित फायदा हो जाएगा कि जो जैविक क्षेत्र में क्या क्या रोग व्यवस्थापन करना चाहिए. अभी अभी जैविक खेती जो है वो एक ग्रीन रिवोल्यूशन की तरह पूरे देश भर पसर रहा है, फैल रही है कि पूरा जो कई पूरा जो भी फार्मर का जो उसके बारे में जो कि करने का जो साहस है वो बढ़ रहा है. इसके लिए हम जैविक खेती केंद्र जो भी हर देश भर में है उनका धन्यवाद देते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं. इसके कारण
जो मनुष्य के ऊपर जो रासायनिक जो अन्न द्रव्य अन्न खा रहे हैं उसका दुष्परिणाम, जैसे योगेश जो बता रहे थे कि रासायनिक जो खा रहे हैं हम उसका मानव के ऊपर जो परिणाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही जैविक अन्न द्रव्य जो है अन्न है उसका परिणाम अच्छा ही मानव के जीवन पे हो सकता है और मानव का जीवन सुखकारक हो सकता है। इसलिए जो अभी आपने जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। और दूसरे जो वक्ते थे हमारे डॉक्टर योगेश जी इंगळे जो हमारे सहकारी है त्यांनी जे मराठी मध्ये सर्व क्षेत्रीय बंधूंना साध्या सोप्या आणि सरळ भाषेमध्ये भाजीपाला व फळपिके रोग नियंत्रण याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन केलेलं आहे। आणि मला जे सांगायचं आहे की जैविक रोग व्यवस्थापनाकडे आपण भर द्यावा, जी की जैविक जसे खते आहेत जसे की रायझोबियम आहे एग्रोबॅक्टर आहे जे की अन्नद्रव्य पुरवतात त्याचा निश्चितच फायदा आपल्या फळपिकाच्या वाढीसाठी आणि भाजीपाल्याच्या वाढीसाठी होणार आहे किंवा जमिनीचे मूल्य पोषण सुधारणार आहे। त्यामुळे जमिनीचे जे काही पोषण आहे हे महत्वाचा भाग आहे जैविक शेतीमध्ये, तो सुधारण्याकरता आपल्याला जैविक खत्याचा जो काही जसं योगेशने सांगितलं की बोरू आहे ढिंच आहे याचं जे काही आपण 40-50 दिवसानंतर आपण जमिनीमध्ये गाडणार आहोत त्यामुळे जमिनीचं पोषण मूल्य वाढणार आहे। आणि जे आपण ट्रायकोडर्मा आहे कंपोस्ट मध्ये जर मिसळून आपण टाकलेलं आहे तर जे काही कंपोस्ट मध्ये कुजे शेणखत आहे याचा वाढलेला आणि चांगलं कुजे शेणखत याचाच वापर शेतकऱ्यांनी करावा। आणि ते शेणखतामध्ये जर आपण ट्रायकोडर्मा मिसळला तर त्या शेणखताचं मूल्यवर्धन होणार आहे आणि शेणखतामध्ये जे काही हानिकारक बुरशी आहेत त्या सुद्धा मरणार आहेत आणि जमिनीमध्ये काही ज्या हानिकारक बुरशी आहेत त्याचं सुद्धा नियंत्रण जैविक ट्रायकोडर्मा वापरल्यामुळं होणार आहे। त्यामुळं ट्रायकोडर्माचा वापर आपण जर कंपोस्ट मध्ये मिसळून वापरला तर नक्कीच शेतकऱ्यांना हा फायदा होईल। वेळ फार कमी आहे त्यामुळे मी दोन्ही वक्त्यांचं अभिनंदन करेल की आपण व्यवस्थितरित्या शेतकरी बंधूंना मार्गदर्शन केलं आहे तर निश्चितच फायदा शेतकरी बंधूंना होईल। आणि ह्या कार्यक्रमाच्या कार्यक्रमासाठी जे की डॉक्टर मीनाक्षी पाटील आहेत श्रद्धा धुरगुडे मॅडम आहेत मंगेशजी आहेत यांनी जी काही ह्या कार्यक्रमासाठी जो काही सविस्तररित्या जे काही पाठबळ दिलेलं आहे त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि आयोजकांना मला अध्यक्ष म्हणून ह्या कार्यक्रमासाठी काही संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद देतो आणि माझे अध्यक्षीय भाषण इथे थांबवतो मॅडम आपल्याकडे। धन्यवाद गोळवे सर। थँक यू मॅम। थँक यू सर। बिफोर क्लोजिंग देअर वॉज वन जेंटलमॅन डॉक्टर पिंपळे लेट हिम आस्क लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सर। डॉक्टर पिंपळे ही इज रेजिंग हँड अगेन अँड अगेन। मंगेश जी पिंपळे सरांना अनम्यूट करा त्यांचा प्रश्न घ्या। आस्क हिम टू आस्क हिज क्वेश्चन क्विकली दॅट इज द लास्ट वन। ऍक्च्युअली पार्टिसिपंट मध्ये ते दाखवत नाही सध्या त्यांना। डॉक्टर पिंपळे सर तुम्ही रेज हँड करा परत एकदा। He is there actually he raised hands twice so his query must be addressed। Yes sir bilkul hum unhe yahan pe aamantrit karenge। Shriyut Pimple Pimplekar ji Mangesh ji ahet ka ते नाही पार्टिसिपंट मध्ये चेक केलं ते नाहीत त्याच्यामध्ये। डॉक्टर महेश पिंपळे समथिंग लाईक दॅट सर शायद वो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ओके टेक हिज क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स एंड वी विल रिप्लाई। जी जी जर महेश पिंपळे जी असतील तर त्यांनी त्यांचा प्रश्न चैट बॉक्स मध्ये नमूद करावा आम्ही त्याचे उत्तर देऊ। नाही आहेत यू कैन कंटिन्यू। ठीक आहे। शेतकऱ्यांचा हा उत्साह आम्हाला नेहमीच आमचे प्रोत्साहन वाढवतो। 9 वाजून गेले आहेत तरी देखील शेतकऱ्यांना अजून ते त्यांच्या त्यांचे प्रश्न आहेतच। धन्यवाद शेतकरी बंधूंनो। यानंतर मी आजच्या कार्यक्रमाचा शेवटचा सत्र म्हणजे शेवटचा पर्व म्हणजे आभार प्रदर्शन यासाठी मी डॉक्टर श्रद्धा धुरगुडे मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करावे। धन्यवाद मॅडम। नमस्कार। आभार प्रदर्शनापूर्वी सोमवार दिनांक 14/3/2022 रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाबद्दल एक सूचना। दिनांक 14/3/2022 रोजी 2 व्याख्यान होणार आहेत। पहिले व्याख्यान हे सेंद्रिय शेतीसाठी मधुमक्षिका पालन हे होणार असून हे व्याख्यान डॉक्टर नितीन कुमार सिंह संचालक रॉयल हनी अँड बी फार्मिंग सोसायटी लखनौ हे देणार आहेत। तर आपले दुसऱ्या व्याख्यानाचा विषय हा
सेंद्रिय शेतीसाठी जैविक इष्टांची निर्मिती व त्याचा कार्यक्षम वापर हा असून याविषयी माहिती श्री दीपक नरवडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहनावतू शेतकरी उत्पादक कंपनी बेलवंडी तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदपूर हे देणार आहे. उद्याच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुलकर्णी सर प्राध्यापक कृषी कीटकशास्त्र विभाग महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी हे आहे. प्रगतशील शेतकरी श्री भानुदास वानरे सार्थक जैविक उत्पादने उद्योजक राहणार धानोरा तालुका नांदूर जिल्हा बुलढाणा हे उपस्थित राहणार आहेत. संकलन डॉक्टर स्वाती झाडे ह्या करणार आहेत. तर समन्वयक म्हणून डॉक्टर पपिता गौरखेडे व डॉक्टर प्रीतम भुतडा ह्या काम पाहणार आहेत. आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम घोळवे सर यांचे मी आभार मानते. आजचे वक्ते डॉक्टर वाचस्पती पांडे सर व डॉक्टर योगेश इंगळे सर ज्यांनी आपला अमूल्य वेळ आपल्याला दिला त्याबद्दलही मी त्यांचे आभार मानते. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रगतशील शेतकरी श्री पांडुरंग निवृत्ती डोंगरे तसेच संकलक डॉक्टर संतोष पवार सर यांचेही मी आभार मानते. तसेच आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले सर्व अधिकारी कर्मचारी सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र यांचे मुख्य अन्वेषक सत्राच्या संचालिका डॉक्टर मीनाक्षी पाटील मॅडम व उपस्थित सर्व शेतकरी बंधूंचेही मी आभार मानते व अध्यक्षाच्या वतीने हा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करते. धन्यवाद.